नमस्कार देसाई सर। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आपको आ रही है ठीक से? हाँ बराबर एकदम। हाँ सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते प्रगति जी। नमस्ते का नमस्ते। ये निकाल देता हूँ सर। आप ठीक आ रही होगी आवाज? उस टाइम पे भी आ रही थी सर। अच्छा आ रही थी। मुझे आप लोगों की थोड़ी कम आ रही थी आवाज, उस चक्कर में ऐसा हो गया था। तो आज हम देखा तो जो ज्वाइन करने थे शायद अभी कुछ प्रैक्टिस बीच में छूट गई ना, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर भी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अस्त ग्रह से कि अस्त ग्रह कब होते हैं इसके बारे में। सर वो थोड़ा लास्ट टाइम का बाकी था। हाँ वो भी करा दूंगा मैं। दशा का जो हम जो उसका क्रक्ष जो आप समझा रहे थे बात का सब बाकी था। टाइम हो गया। हाँ वो ही बता दूंगा। वो भी बता दूंगा। दोनों चीज बता दूंगा आपको मैं। अस्त ग्रह के बाद ही दशा वाला भी है, वो भी आपको बता दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
एक सेकंड मैं जरा प्रेजेंटेशन लगा लेता हूँ, शेयर स्क्रीन। सर आपने वो अष्टक वर्ग के भी डिटेल भेजी नहीं, अष्टक वर्ग का शुरू करना है अभी। हाँ एक सेकंड मैं इसको मिस्टेक को लगा देखता हूँ जरा, इसमें आवाज बहुत कम आ रही है बड़ा। और उसमें वॉल्यूम का लो होगा। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल आ गया, अब आया है, अब आपकी आवाज भी ठीक आ रही है। देखिए सबसे पहले आज हम, हाँ बोलिए, इसके आगे वाला सब बाकी था सर। हाँ वो बता दूंगा मैं अभी, बता दूं साथ ही बता दूं। तो अस्त ग्रह के बारे में हम लोग करना चाहते थे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ तो अस्त के बारे में काफी कुछ प्रॉब्लम रहती है रिजल्ट प्रेडिक्ट करने के अंदर लोगों के लिए, तो इसके लिए हमारे गुरुजी ने हमें बहुत सिंपल तरीका बताया है अस्त के ग्रहों के बारे में। सिंपल क्या, बहुत लॉजिकल तरीका है और शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है, चाहे वो फलदीपिका हो चाहे बृहत पाराशर हो शास्त्र हो, उनके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। होता क्या है कि सूर्य के पास आने पर जो ग्रह है वो अस्त हो जाते हैं और उनका फलों पर प्रभाव पड़ता है, कुछ फल में प्रभाव कमी आ जाती है, फलों के शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है, फलों के अशुभ प्रभाव में भी कमी आ जाती है। तो सूर्य के पास आने के जितने भी ग्रह हैं अस्त हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि अब यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाए तो योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर के लिए स्टेज पर बैठे होंगे तो वो अस्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वहां पर छा जाएंगे। तो सूर्य के साथ ऐसे ही होता है, सूर्य राजा है ग्रहों का, उसके साथ जो भी ग्रह आते हैं वो अस्त हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए एक सर्टेन डिग्री है कि भाई चंद्रमा 12 डिग्री तक आए तब अस्त होता है, मंगल 17 डिग्री तक आए तब अस्त होता है, बुध 13 डिग्री तक आए तब अस्त होता है, ऐसी बृहस्पति का है, शुक्र का है 9 डिग्री तक आए तब अस्त होता है, शनि 15 डिग्री तक आए तब अस्त होता है। तो ये अस्त होने के लिए डिग्री है। नॉर्मली वैसे ये जो मोटा मोटा फार्मूला आप अगर ध्यान में रखें तो इतना जरूर ध्यान में रखें कि 9 डिग्री के आसपास ग्रह अस्त हो जाता है, सूर्य के 9 डिग्री के आसपास ग्रह हो तो वो अस्त हो जाता है अगर आप अस्त की सिचुएशन ले लें। अच्छा इसपे सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज कहीं से आ रही है। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि देखिए दो तरह के ग्रह होते हैं सौर मंडल में, एक होते हैं बाहरी ग्रह एक होते हैं आंतरिक ग्रह। बाहरी ग्रह वो ग्रह है जो पृथ्वी से बाहर की तरफ है, जैसे पृथ्वी से दूर है, जैसे मंगल है, सूर्य से पृथ्वी और पृथ्वी से आगे जितने भी ग्रह हैं वो बाहरी ग्रह हैं, और सूर्य और पृथ्वी के अंदर जो ग्रह हैं बुध और शुक्र वो आंतरिक ग्रह। तो बाहरी ग्रह तो आपके सूर्य से 180 डिग्री से भी आगे चले जाते हैं, जो वैल्यू है एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो 30 डिग्री यानी कि पूरा जो हमारा चक्र है, पूरा जो हमारा चक्र होता है उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो ये वाले ग्रह जो है ये 180 डिग्री से भी आगे चले जाते हैं। लेकिन बुध और शुक्र के बारे में, दो चीजों के बारे में ऐसा है कि ये ग्रह कभी भी सूर्य से ज्यादा दूर नहीं जाते, या तो सूर्य के आसपास रहेंगे, एक आध हाउस के इधर रहेंगे या सूर्य के साथ रहेंगे, क्योंकि ये आंतरिक ग्रह है। ये सौर मंडल में पृथ्वी से पहले सूर्य, सबसे पहले बुध पड़ता है फिर शुक्र पड़ जाता है, तो इसलिए ये शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के साथ ही रहते हैं, या एक खाना आगे पीछे रह सकते हैं, एक भाव आगे पीछे रह सकते हैं। अब इसमें बात यह आती है कि अगर मान लिया हम कहते हैं ग्रह अस्त हो जाने से उसके स्वतंत्र कारकत्वों पे या उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक हैं उन पे प्रभाव पड़ता है, तो अगर ऐसा हुआ, ऐसा पड़ता है, तो फिर बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। हम लोग सभी जानते हैं कि बुध ग्रह जो है वो बुद्धि का कारक है,
और बुध ग्रह अगर आपका कमजोर हो गया तो इसका मतलब लोगों में बुद्धि की कमी होगी अगर बुध अस्त हो गया, और बुध अस्त जो है वो आपको 70% पत्रिकाओं में या 60% पत्रिकाओं में मिल जाएगा, क्योंकि बुध नॉर्मली सूर्य के साथ होगा या सूर्य से एक हाउस आगे होगा, डिग्री में इतना कम डिफरेंस हो जाएगा कि वो अस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से शुक्र है, शुक्र भी चूंकि आंतरिक ग्रह है तो इसके अंदर शुक्र अगर अस्त हो गया तो हम लोग ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई शुक्र अगर अस्त है तो आदमी का वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन की दर्शाने वाला है शुक्र, पत्नी को दर्शाने वाला है, पत्नी को पीड़ा दे सकता है, स्त्री को दर्शाने वाला है शुक्र। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शुक्र और बुध ये दोनों अस्त हो जाएं तो ये कहेंगे कि बुद्धि में फर्क पड़ गया इंसान की और वैवाहिक जीवन में फर्क पड़ गया, पर लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि नॉर्मली शुक्र और बुध हमेशा अस्त होने के नजदीक ही रहते हैं, बुध तो हमेशा करीब करीब अस्त ही होता है। तो इसलिए इसके लिए सिद्धांत है, आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, आज सब लोग म्यूट कर लीजिए। इसलिए इसके लिए सिद्धांत है जो कि बताया गया है कि जातक परिजात में, उसमें बताया गया है कि बुध और शुक्र के लिए ये माने कि वो एक चौथाई तक अपने रिजल्ट कम कर देते हैं अगर वो सूर्य से अस्त हो। बुध और शुक्र जो आंतरिक ग्रह है, जो इंटरनल ग्रह है, उनके रिजल्ट एक चौथाई तक कम हो जाते हैं, यानी 25% कम हो जाते हैं अगर वो सूर्य से अस्त हो। इसके अलावा जो ग्रह बाहर है, बाहरी ग्रह है, जैसे मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, ये बाहरी ग्रह है। बाहरी ग्रह जो होते हैं ये नॉर्मली, इनके रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि इनका रिजल्ट आधा रह जाता है, जो श्लोक है उसमें कहा है कि इनका रिजल्ट इनके स्वतंत्र कारकत्व आधे रह जाते हैं अगर ये अस्त होते हैं। तो अस्त होने पे ये नहीं मानना चाहिए कि इनका रिजल्ट जीरो हो गया, अस्त होने पे मैंने ये बताया कि जो आंतरिक ग्रह है उनको मानिए कि वो 25% तक उनका रिजल्ट कम हो जाएगा, और जो बाहरी ग्रह है उनका रिजल्ट आपका 50% तक कम हो जाता है, चाहे वो शुभता कम हो जाए चाहे वो उनकी अशुभता कम हो जाए। तो इसलिए 20-25% की कमी ही माननी चाहिए, सूर्य बुध और शुक्र एक दूसरे को कमी, ये कभी भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, और सूर्य बुध शुक्र में अगर अस्त होते हैं बुध और शुक्र तो उनको ये मानिए कि 25% की कमी आती है, और बाकी बाहरी ग्रह अगर अस्त होते हैं तो 50% की कमी आती है। इसके बाद सर एक क्वेश्चन है इस पे। हाँ पूछिए। हाँ, अब जैसे ये अस्त हुए है, हाँ, और 25% या 50% कमी आई है, जी जी, वो गोचर के टाइम पे आए, क्योंकि ये तो घूमते रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि ऑलवेज वो इतनी ही डिग्री पे। देखिए आपका सवाल जो है मैं आपको बताऊं, आपके सवाल में दो चीज मिक्स है, एक चीज तो ये है कि जन्म कुंडली और एक चीज है गोचर। जन्म कुंडली में अगर अस्त है बुध मान लो या शुक्र अस्त है, तो आपको बुध और शुक्र के जो रिजल्ट प्रेडिक्ट करने हैं वो आप 25% कम करके बोलोगे, ठीक है। और जब एक्सटर्नल ग्रह हैं अगर वो अस्त है तो उनके रिजल्ट 50% कम करके बोलोगे, स्वतंत्र कारकत्व में 15 का प्रभाव पड़ेगा, उनके रिजल्ट 50% कम हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो अस्त नहीं है, जब जन्म कुंडली में अस्त नहीं है मान लिया, लेकिन उच्चर में अस्त हो जा रहा है वो ग्रह, तो उसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर सूर्य अस्त हो जाए और सूर्य एक दो ग्रहों से ग्रस्त भी हो जाए, शनि से मंगल से ग्रस्त भी हो जाए गोचर में, तो जाहिर है पिता के स्वास्थ्य पे हानि हो सकती है। चंद्रमा अस्त हो जाए और एक या दो ग्रहों से ग्रस्त भी हो जाए, उसके ऊपर प्रभाव भी गलत हो जाए, तो जाहिर है कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। तो ये गोचर का तो फर्क इंसान के ऊपर पड़ता ही है। तो गोचर क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, गोचर आने वाला है, इसके बाद तारा चक्र है, तारा चक्र के बाद गोचर है, और गोचर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो गोचर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा गोचर मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया है, वही गोचर एग्जैक्टली डिटो मैं आपको बताऊंगा जो कहीं मिलता नहीं है, और वो बहुत शास्त्रों से उन्होंने ढूंढ के निकाला। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अभी ये मान के चलिए कि एक्सटर्नल ग्रह के 50% रिजल्ट कम और इंटरनल ग्रह के 25% रिजल्ट कम हो जाते हैं, जो भी रिजल्ट है, चाहे वो उनके स्वतंत्र कारक हो,
चाहे वो भाव के रिजल्ट देने वाले हों, जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के रिजल्ट देने वाले हों, या जहां बैठे हैं वहां के रिजल्ट देने वाले हों, उनके रिजल्ट्स में उतने परसेंटेज कमी आ जाती है। इसके बाद आता है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अब जैसे ये बताया मैंने आपको कि मंगल गुरु शनि ये तीनों बाहरी ग्रह, ये तीनों बाहरी ग्रह हैं, इनके परिणामों में अस्त होने से 50% कमी आ जाती है। अब अगर ये चाहे केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में क्यों ना बैठे, अगर मान लिया केंद्र में बैठा है तो आप कह रहे हो यार मेरा तो ग्रह जो है ये मंगल गुरु शनि मेरे तो केंद्र में है, त्रिकोण में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो मुझको तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन रिजल्ट में कमी आ जाएगी क्योंकि 50% की कमी रिजल्ट के अंदर वो कर रहे। अच्छा, और इसी प्रकार मतलब कहने का ये है कि आपके जो कोई भी ग्रह एक्सटर्नल ग्रह जो भी हैं सौरमंडल में, बाहरी ग्रह जो हैं, अगर केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में भी बैठे हैं तो भी उनके रिजल्ट में 50% कमी आ जाएगी अगर वो अस्त सूर्य से। दूसरी चीज, अगर कोई अशुभ ग्रह सूर्य से अस्त है, अशुभ ग्रह वो भी बाहरी ग्रह सौरमंडल में जो बाहरी ग्रह है एक्सटर्नल प्लैनेट वो सूर्य से अस्त है, तो उसकी मारकता में भी 50% की कमी आ जाएगी। यदि शुभ ग्रह अस्त तो उसकी शुभता में 50% की कमी, यदि अशुभ ग्रह अस्त तो उसकी मारकता में 50% की कमी आ जाएगी। जैसे सिंपली अगर ले लेते हैं कि स्त्री की पत्रिका हो, अगर लेडी की पत्रिका है उसमें अगर गुरु अस्त है, खाली अस्त को तो मत लीजिए आप, लेकिन गुरु अस्त है और उसके ऊपर प्रभाव भी दो पाद ग्रहों का पड़ता है, कोई मंगल शनि या राहु केतु एक्सिस में आ रहा है और गुरु अस्त है, तो पति से रिलेशन में कमी आती है। ये बिल्कुल सिंपल बात है और ऐसा इंसान मल्टी मिलियनर नहीं बन पाता क्योंकि गुरु धन का कारक है, गुरु पति का कारक नहीं होता, शुक्र पत्नी का कारक होता है। तो इसलिए अस्त ग्रहों को आप परिणाम उनका देख के चलिए कि कितना परिणामों में कमी उनकी आती है। अगर कोई अशुभ ग्रह है और वो अस्त हो गया तो उसकी मारकता में भी 50% की कमी आ जाएगी। अब शुक्र, अब जैसे मैंने बताया आपको कि शुक्र अस्त हो और साथ में दो पाप ग्रहों से प्रभावित भी हो तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में परेशानी हो जाएगी। इसी प्रकार से बुध है, बुध अस्त हो और दो पाप ग्रहों से ग्रस्त हो तो निश्चित रूप से बुद्धि में कमी आएगी, विवेक में कमी आएगी इंसान के, शिक्षा में कमी आएगी इंसान के, क्योंकि वो शिक्षा का कारक है, बुद्धि का कारक है, प्लस जिन भावों का स्वामी है या जिस भाव में बैठा है उनके रिजल्ट में कमी आएगी 25%। तो ये आपको देखना है। अब शनि मान लिया अस्त है, शनि आपका अशुभ ग्रह है और आप कहते हो कि भाई शनि अस्त हो गया तो बढ़िया हो गया, उसकी अशुभता में कमी आ गई। शनि अगर अस्त है, शनि बैठा हुआ है मान लिया आपके छठे आठवें बारहवें हाउस में या तीसरे हाउस में बैठा हुआ है, आठवें बारहवें में बैठा हुआ है और शनि पाप ग्रह है, आप कह रहे हो चलो ठीक है शनि अस्त है तो हमारा बढ़िया हो गया। ठीक है, शनि अस्त होने से आपकी बीमारी जो देता है वो दुख तो देता है वो तो कम हो जाता है, पर आपकी बीमारी और दुख का कारक तो है ही है, साथ ही साथ शनि जो है वो कर्मठता का भी कारक, आपकी जो हार्ड वर्क है उसका कारक भी शनि होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार क्या होता है शनि जैसे ग्रह जिनको हम पाप ग्रह बोलते हैं वो अस्त होने से बीमारी दुख में तो कमी आती है लेकिन साथ साथ आदमी आलसी भी हो जाता है क्योंकि हार्ड वर्क में भी उसकी कमी आती है, कर्मठता में भी उसकी कमी आती है। तो ये अस्त के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ा इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें मेरे ख्याल से किसी का अनम्यूट है, सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, यहां से म्यूट में करके देखता हूं शायद सबका हो जाए। तो अब शायद म्यूट कर लिया है, ऑप्शन म्यूट हो गया है। तो अब जैसे बताया है इसके अंदर कि मंगल शनि गुरु ये तीनों बाहरी ग्रह हैं, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठे हों और अस्त हो जाएं तो इनका जो शुभ प्रभाव होगा उसे 50% से भी ज्यादा परिणाम मिल सकते हैं। कब? देखिए, मंगल शनि और गुरु ये बाहरी ग्रह हैं, इनके बारे में मैंने बताया कि जब ये अस्त होते हैं तो इनके परिणामों में 50% से ज्यादा 50% की कमी आ जाती है। इसके साथ साथ
अगर ये शुभ प्रभाव में आ जाए तो परिणाम आपको तारतम्य से 50% से अधिक हो जाएंगे। समझ आया? मतलब मंगल शनि गुरु केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठे हैं तो आप कह रहे हो जी इनके परिणामों में इनके कार्यकर्तों में 50% की कमी आ गई। लेकिन ये चंद्रमा से बुध से या बृहस्पति से जो शुभ ग्रह हैं उनसे ग्रस्त हैं, शुक्र से ग्रस्त हैं, तो दृष्टि होने का यह होगा कि 50% की जो कमी आई थी वो कमी अब 50% ना रह के वो कमी अब 25% रह गई। समझ आया देसाई साहब? फिर से सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। हाँ मतलब मैंने ये बताया इसके अंदर आपको कि हमने ये कहा कि जो ग्रह हैं बाहरी ग्रह हैं सौर मंडल में मंगल शनि गुरु वगैरह ये जिस भाव में हो अगर अस्त हो तो उस भाव के रिजल्ट को 50% कम कर देते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बराबर। लेकिन हाँ। अगर अगर वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में मतलब अस्त तो हैं लेकिन उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है कहीं से, शुक्र की दृष्टि है कहीं से या बृहस्पति की दृष्टि है कहीं से, तो वो जो अस्त का प्रभाव हुआ था 50% वो 50% ना रह के 25% रह जाए। मेरा ये कहने का मतलब है अगर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो जो अस्त होने का प्रभाव है जो रिजल्ट में कमी आई वो 25% ही कमी होगी, बढ़ जाएगा मतलब वो कम रिजल्ट बढ़ कम कमी में कम हाँ कमी में कम आ जाए कमी आ जाएगी हाँ। ठीक है तो वो रिजल्ट बढ़ जाता है। इसी प्रकार कोई ग्रह अस्त है मान लिया तो उसके रिजल्ट में हमने कहा कि 50% की कमी आ जाएगी, लेकिन इसमें शनि की मंगल की दृष्टि भी है। सपोज करो बृहस्पति अस्त है और बृहस्पति अस्त होने से हमने कहा कि भाई 50% की कमी आएगी, ये जिन भावों का स्वामी है जहां बैठा है या जिन चीजों का कारक है उसमें 50% की कमी आ जाएगी, लेकिन साथ में शनि और मंगल से ग्रस्त भी हो गया तो उसके प्रभाव जीरो हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। तो प्रभाव भी आपको लेना है, अस्त तो लेना ही लेना है, साथ में प्रभाव भी आपको देखना है कि अस्त होने के बावजूद उस ग्रह पे प्रभाव कैसे हैं, उस ग्रह को देखने वाले ग्रह कौन हैं, वो ग्रह कहीं ऐसा तो नहीं पाप कतरी में बैठा हुआ है उसके दोनों ओर पाप ग्रह हैं या उसको पाप ग्रह को नहीं देख रहे हैं या उसको शुभ ग्रह को नहीं देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको परिणाम के अंदर घटोतरी या बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये आपको तारतम्य से निकालना पड़ेगा कि कितने परसेंट तक हम इसको ले सकते हैं। तो ये अब जैसे सर सिंपल एक क्वेश्चन है, अब जैसे सूर्य की वजह से सब ग्रह अस्त हो रहा है, बराबर है जी, मान लो कि सूर्य किसी ग्रह को अस्त कर रहा है और साथ में राहु या केतु की वजह से सूर्य अफ्लिक्टेड है तो फिर नहीं नहीं वो सूर्य और राहु साथ में है या सूर्य केतु साथ में है तो वो परिणाम दूसरा होता है, उसका जो प्रेडिक्शन है वो डिफरेंट है। लेकिन सूर्य किसी ग्रह को अस्त कर रहा है तो उस ग्रह के भावों में उस ग्रह के स्वतंत्र कार्यकर्तों में कमी आएगी, पूर्ण रूप से कमी आएगी जो 50% की आनी है। राहु से अफेक्ट होने के कारण ऐसा नहीं होगा कि सूर्य का इफेक्ट कम होगा, इफेक्ट कम नहीं होगा सूर्य, वो आप ध्यान रखिए इस चीज को। मतलब सूर्य अपना काम करेगा, राहु वो अपना काम करेगा, वो अगला अलग चीज है, वो अलग चीज है, राहु का अलग चीज है, सूर्य अपना काम करेगा। इसी प्रकार शुक्र के बारे में बोला जाता है कि शुक्र अगर आठवें भाव में पहुंच जाए, जैसे पीछे मैंने बताया आपको कि शुक्र जो है पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, अगर वो आठवें भाव में हो किसी की कुंडली के अंदर, किसी जेंट्स की कुंडली में नॉर्मली, और अस्त हो और पाप ग्रहों से ग्रस्त हो तो नॉर्मली ऐसे इंसान की शादी नहीं होती, शादी में डिनायल रहता ऐसा इंसान। तो ये अस्त ग्रह का दोनों चीज होगा तब ना, हाँ अगर पाप ग्रहों से ग्रस्त भी हो और अस्त भी, क्योंकि मेरा शुक्र आठवें में है हाँ, लेकिन पाप ग्रहों से ग्रस्त नहीं है ना, लेकिन लव मैरिज करवाया है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाप ग्रहों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ओके मतलब ड्यूअल साइड से जब उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, दो साइड से प्रॉब्लम आएगी। ओके देखिए कभी भी प्रभाव जब पड़ता है, जब दो या दो से अधिक ग्रह प्रभावित करते हैं किसी, जब दो या दो से अधिक ग्रह किसी भाव को प्रभावित करते हैं तभी प्रभाव पड़ता है। ठीक है तो ये अदरवाइज शुक्र को मैंने आपको बताया कि शुक्र आठवें में होने से या शुक्र का अस्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 25% की रिजल्ट में कमी आएगी शुक्र के अस्त होने में। लेकिन शुक्र आठवें भाव में है नंबर वन, ऊपर से शुक्र अस्त भी है नंबर टू, और ऊपर से पाप ग्रह से ग्रस्त भी है नंबर थ्री, तब शादी नहीं होने के चांस, तब शादी नहीं होगी, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके बाद
अच्छा ये तो हम लोगों ने करा था, ये इसका मैं आपको बताऊंगा। एक इसमें जो दशा के बारे में मैंने बताया था, मैं उसको चाहता हूं कि आप लोगों को उसको एक बार रिपीट करा दूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अभी हम लोग परिशिष्ट इसके बाद का ये जो है ना, इसके बाद वाली स्लाइड बाकी है। हाँ, तो ये चलिए आप यहाँ समझ गए थे, ये थोड़ा सा हाँ के एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, इसमें यही है कि कहने का अर्थ ये है, जिस तरीके से मेष लगन वाले हैं, मेष लगन वालों के लिए सूर्य चंद्र मंगल जो है वो हमेशा लगन के मित्र होते हैं। मेष लगन में कौन मालिक है? मंगल मालिक है, तो सूर्य चंद्र मित्र होते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए सूर्य चंद्र मंगल की दशा हमेशा अच्छी जाएगी। मतलब कहने का ये है, अर्थ ये है कि लग्नेश के मित्र की दशा अगर है, अंतर दशा है या महादशा है, तो वो दशा अच्छी जाएगी और बाकी दशा जो है वो अच्छी नहीं जाएगी। अगर अंतर दशा कोई आपकी चल रही है और वो अंतर दशा लग्नेश के मित्र की है तो वो दशा आपकी अच्छी जाएगी, लेकिन अगर वो लग्नेश का मित्र नहीं है तो आपकी दशा अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन लेकिन सर उसका प्लेसमेंट अच्छा है तो? हाँ, अभी वो आगे आ रहा है, वो मैं आगे रिपीट करा रहा हूँ। अब उसमें आता है अनुकूल दशा। अनुकूल दशा पहली चीज है, अनुकूल दशा। इसमें तीन चीजें आती हैं, अनुकूल दशा, अनुकूल स्थिति, अनुकूल दशा सम स्थिति और अनुकूल दशा प्रतिकूल स्थिति। अनुकूल दशा यानी दशा तो अनुकूल है, लगन के मित्रों की दशा है कुंडली में, लेकिन स्थिति भी केंद्र में और त्रिकोण में लाभ भाव में है तो वल्ला वल्ला है, क्योंकि दशा अनुकूल नंबर वन और साथ में स्थिति भी उसी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है, तो वो दशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगी और उसके अंदर आपको अथाह फायदा होगा, अथाह लाभ होगा। दशा आपकी अनुकूल है, लगन के मित्रों की है, लेकिन स्थिति प्रतिकूल है, छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे हैं, तब क्या होगा? तो उस केस में आपके मिश्रित प्रभाव हो जाएंगे, अच्छे फलों में आपकी कमी होगी। तो वही इसमें दिखाया गया है कि अगर ए और बी की स्थिति आती है कि दशा भी अनुकूल है और अनुकूल स्थिति है, तो आपको प्रभाव बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत बढ़िया फल मिलेगा, और अनुकूल दशा है और प्रतिकूल स्थिति है तो प्रभाव आपको मिश्रित मिलेंगे, और अनुकूल दशा है सम स्थिति है तो प्रभाव आपको अपना मिलते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको अनुकूल के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर दूसरे तीसरे भाव में भी बैठा है ग्रह तो भी स्थिति को आप अनुकूल मान सकते हैं, छठे आठवें बारहवें में बैठे ग्रह की स्थिति को आप थोड़ा सा अनुकूल मत मानिए, उसको स्थिति को प्रतिकूल मानिए कि छठे आठवें बारहवें ग्रह में ग्रह बैठा हुआ है तो प्रतिकूल स्थिति। उसके अंदर आगे छोटा सा एक एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये स्थिति दशा और उसका प्रकरण। अब प्रतिकूल ग्रह हो, यहां तो हमने अनुकूल ग्रह के बारे में बात की थी इससे पहले, तो इससे पहले हमने बात की थी अनुकूल दशा, यानी ऐसे ग्रह की दशा जो लगन का मित्र है उसकी दशा हो और उस पर डिफरेंट स्थितियां हो, अनुकूल स्थिति हो, सम स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो। अब हम बात करते हैं कि ऐसे ग्रह की दशा जिसकी दशा प्रतिकूल है, यानी जो लगन का मित्र नहीं है, उस ग्रह की दशा आ गई और उसकी स्थिति भी प्रतिकूल है, वो छह आठ बारह में बैठा हुआ है, एक तो लगन का मित्र नहीं है, ऊपर छह आठ बारह में बैठा हुआ है, तो एक तो करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो जाती है, तो उस केस में रिजल्ट बहुत विपरीत हो जाते हैं। और अगर प्रतिकूल ग्रह की दशा है और स्थिति अनुकूल है, सपोज कीजिए आपका ग्रह तो लगन का मित्र नहीं है लेकिन बैठा आपका केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में, तो रिजल्ट आपके अच्छे हो जाए, गुड हो जाए, अगर उसपे प्रभाव भी अच्छा हो जाए। फिर रिपीट करता हूं, सर हाँ। लेकिन अब ये जो आपने बताया छह आठ बारह में हो तो प्रतिकूल स्थिति है बराबर, हाँ, लेकिन हाँ, मान लो कि वो उसी ग्रह का स्वामी उस घर में बैठा है, और दूसरी चीज उसी भाव के रिलेटेड काम करना है, मान लो किसी का सिक्स लॉर्ड सिक्स में बैठा है हाँ, और उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, मान लो किसी का एट्थ लॉर्ड एट्थ में बैठा है और उसको रिसर्च में या ऐसा अकल्ट साइंस में करना है, हाँ, तो स्थिति उसके अनुकूल हो गई ना, वो तो उसके उसी हिसाब से, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि राशि स्वयं राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है, उससे भी ग्रह बंदी हो जाता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और काम भी तो उसी ग्रह का कर रहा है, उसी घर का कर रहा है ना, मान लो कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है और मेरा सिक्स लॉर्ड सिक्स में बैठा हुआ है तो मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे फॉरेन जाना है, मेरा ट्वेल्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में है या ट्वेल्थ लॉर्ड फर्स्ट में है,
जी तो मेरे लिए तो अच्छा ही है या फर्स्ट लॉर्ड वेल्थ में है। स्थिति के अंदर आप ये भी देख लीजिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्थिति में आप ये भी चेक कर लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वराशि में या उच्च राशि में बैठा, तो स्वराशि में या उच्च राशि में बैठने से भी ग्रह के फलों में उस स्थिति को उसको थोड़ा अनुकूल बन जाती है, तो उसके भी आपको तारतम्य से रिजल्ट डिफाइन करने होंगे। मोटा मोटा आपको ये लेके चलिए कि प्रतिकूल ग्रह है और प्रतिकूल स्थिति है, 6-8-12 में बैठा है, 6-8-12 का स्वामी भी नहीं है, मान लिया ये मान लीजिए तो बहुत ही खराब हो गया, विपरीत रिजल्ट हो गए, बहुत ही 6-8-12 में बैठा है लेकिन 6-8-12 का स्वामी है, उसी के अंदर बैठा हुआ है, तो ठीक है मजबूत है बलशाली है तो उसको थोड़ा सम रिजल्ट मान लेंगे उसके, कि प्रतिकूल ग्रह तो है लेकिन 6-8-12 में बैठा हुआ है, लेकिन अनुकूल स्थिति में बैठा हुआ है प्रतिकूल ग्रह और उसका प्रभाव भी ठीक ठाक है तो उसके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। कोई भी प्रतिकूल ग्रह जो लग्न का मित्र नहीं है, केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठा हो और उसमें प्रभाव भी अच्छा हो जाए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भी रिजल्ट उसके अच्छे हो जाते हैं। तो ये क्रक्स है दशा का जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बाकी चीज दशाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं या तारा चक्र मैं आपको अभी बताऊंगा, वो इसके साथ साइमल्टेनियसली अफेक्ट डालता है बाकी दशा में, यही चीज आपको याद रखनी है और ये चीज आप याद रखेंगे तो जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे और कहीं मात नहीं खाएंगे। ग्रह देखिए और स्थिति देखिए, बस उस चीज को देख के तारतम्य से रिजल्ट का आइडिया लगाइए और क्या तो काम करना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना सर। वो काम क्या काम करना है वो देखिए, किसके लिए हम देख रहे हैं वो चीज आप देखिए और ग्रह देखिए। मान लो मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है और ट्वेल्थ के रिलेटेड काम करना है तो फिर वो उसका अच्छा होना जरूरी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज आपको ध्यान देनी है कि एक तो ये कि भाव को किस भाव को देखना चाहते हैं, किस भाव को किस नजरिए से आप देखना चाहते हैं, लगन का मित्र है या नहीं है, स्थिति प्रतिकूल है या अनुकूल है, ये चीज आपको देखनी है, स्वराशि में है या उच्च राशि में है वो भी चीज आपको चेक कर लेनी है, क्योंकि एक ग्रह छठे भाव में अपनी राशि में बैठा होता है तो ठीक है छठे भाव में आने से उसकी नुकसान तो होता है लेकिन स्वराशि में होने से वो बलि हो जाता है उसके अंदर, तो वो अच्छे फल भी देता है छठे भाव के। आठवें भाव में ग्रह आठवें भाव का स्वामी बैठ जाए तो वो अच्छे फल देगा, आयु देगा, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिकूल स्थिति अनुकूल स्थिति में आपको ये भी ध्यान रख लीजिए कि वो स्वयं राशि में है या उच्च राशि में है, वो भी आप साथ में ध्यान रख लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा और रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिलने चालू हो जाएंगे। और ये चीज आप दो चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि मोटा मोटा हमने जो पिछली बार भी लगाया था वो यही लगाया था कि स्थिति भी अच्छी हो प्रभाव भी अच्छा हो तो रिजल्ट एक्सीलेंट होते, यानी आप 1 करोड़ लगाओगे आपको 5 करोड़ मिले। स्थिति भी अच्छी हो प्रभाव भी अच्छा हो, स्थिति अच्छी हो लेकिन प्रभाव मिश्रित हो, यानी स्थिति तो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हुआ है ग्रह आपका लेकिन प्रभाव उसके ऊपर मिश्रित हो गया, यानी कोई पाप ग्रह भी देख रहा है उसको, तो रिजल्ट उसके अच्छी स्थिति होते हुए भी थोड़े से कम हो गए, यानी 1 करोड़ का प्रॉफिट लगाओगे तो उसको 2 करोड़ का फायदा मिलेगा, मतलब कम हो जाएगा, जो मिलना उससे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर स्थिति गुड हो और प्रभाव उस पर बैठ हो, अगर स्थिति तो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है लेकिन उसको प्रभाव उस पर कोई ग्रह डाल रहा है जो पाप ग्रह प्रभाव डालता है, शनि देख रहा है या मंगल देख रहा है, तो उसका बस इतना है स्थिति होने की वजह से कि उसके जो 1 करोड़ रुपया लगा था वो 1 करोड़ रुपया उसका वापिस आ जाएगा, उसको फायदा बैठा उसे कुछ नहीं। और अगर स्थिति खराब हो, छठे आठवें बारहवें में हो, स्थिति खराब हो और प्रभाव भी उसके ऊपर बैठ और फिर आपने उसको कहा कि भैया तू बिजनेस कर ले और स्थिति की स्थिति ऐसी समझ के, मतलब प्रभाव भी ऐसा ही है, दशा ऐसे ग्रह की है जिसकी स्थिति खराब है और उसका उस ग्रह पे प्रभाव भी ऐसे हैं और गोचर में भी मान लिया वो प्रभाव उसके ऊपर वैसे आ गए तो उसका तो सत्यानाश होगा ही होगा, उसका रिजल्ट अगर 1 करोड़ लगा रहा है तो वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। तो ये प्रभाव बैड है और साथ में अगर वो अस्त और वक्री भी हो गए तो उसको तो अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाएगी, क्योंकि वक्री होने से या अस्त होने से उसकी अशुभता में थोड़ी बड़ी बढ़ोतरी हो जाती, एक तो अस्त हो गया, एक तो प्रभाव खराब हो गया, स्थिति खराब हो गई, ऊपर से आपका ग्रह भी वक्री हो गया, अस्त हो गया, तो तीनों चीज हो गई। तो ऐसे केस में तो बिल्कुल ही अपोजिट मामला हो गया, ऐसे केस में तो आप किसी को कहोगे ही नहीं कि भैया तू बिजनेस कर ले, तेरी दशा वाला जो ग्रह है उसकी स्थिति भी खराब है, उसके ऊपर प्रभाव भी खराब है, वो अस्त भी है,
और हम उससे कह दे तू कोई बिजनेस कर ले, कोई वेंचर लगा ले कोई बहुत बड़ा, तो उसका तो जमीन बिक जाएगी। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो स्थिति और प्रभाव, ये दो चीज, और तीसरा अस्त, ये भी आप देख लीजिए। अस्त तो प्रभाव में ही आ गया, दृष्टि और अस्त प्रभाव में आ गया। तो स्थिति और प्रभाव भी आप देखिए और उसके ऊपर आपको प्रेडिक्शन करना है कि कैसी स्थिति और कैसा प्रभाव है। उसके बाद आपको तारतम्य से रिजल्ट को निकालना है कि हम ये कितने परसेंट रिजल्ट बोल सकते हैं या हम इसे क्या बोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप ये कहेंगे भाई तुझे 5 करोड़ का फायदा हो जाएगा या तुझे 10 करोड़ फायदा हो जाएगा, पर आप ये कहेंगे भाई भैया जितना लगाओगे आपको उससे 2 गुना तो मिल ही जाएगा, इतना फायदा आपको हो जाएगा अगर स्थिति अच्छी है और प्रभाव भी आपका अच्छा है। तो ये इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली बात है। ये दशा में जाना था, इसमें छोटा सा एक मैंने बताया था पीछे आपको एक्सेप्शन है कि किसी भी ग्रह के लिए 6-8 में जाना प्रतिकूल होता है, लेकिन सूर्य मंगल और शनि अगर 6 भाव में हो, सिर्फ 6 भाव के, तो ये देखा गया है कि ग्रहों की मुद्राएं होती, प्रसन्न मुद्रा, स्लीपिंग मुद्रा होती है, अप्रसन्न मुद्रा होती है, शोक मुद्रा होती है, दृढ़ मुद्रा होती है, ऐसे ग्रहों की 16 मुद्राएं होती है। तो मुद्राओं के ऊपर भी हल्का फुल्का रिजल्ट डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का रिजल्ट डिपेंड करता है मुद्राओं के ऊपर भी। वो मैं तो अब सूर्य 6 भाव में चला गया, मंगल 6 भाव में चला गया, शनि 6 भाव में आ गया, तो होगा क्या कि अशुभ ग्रह है तो अशुभ ग्रह अशुभ स्थान में जाने पर, यानी जैसे हमने बताया था कि कोई आदमी शराबी कबाबी है, अशुभ आदमी है, पापी आदमी है, और वो उसको ऐसे स्थान पे भेज दो जहां बार है, पब है, तो वहां पे वो बड़ा एनर्जेटिक महसूस करेगा अपने आप, क्योंकि उस और उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, तो वो अपने स्वतंत्र कारकत अच्छे देना चालू करेगा। लेकिन अपने स्वतंत्र कारकत भी अच्छे देना चालू करेगा। देखिए दो चीज का डिफरेंस है इसके अंदर, बहुत चीज, इस पॉइंट को मेरे बहुत ध्यान से सुनिए। सूर्य 3रे भाव का मालिक होके या सूर्य 2रे भाव का स्वामी होके 6 भाव में जाता है। सूर्य को 2 प्रकार से आप लीजिए, एक लीजिए ग्रह, एक लीजिए भावेश। पहला लीजिए ग्रह, दूसरा लीजिए भावेश। एक तो सूर्य ग्रह है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दूसरा सूर्य किसी ना किसी भाव का स्वामी भी है, तो सूर्य भावेश भी है। तो एज ए भावेश 6 भाव में जाना अच्छा नहीं है, किसी भी भाव के स्वामी का 6-8 भाव में जाने से उस भाव के फलों में कमी आती है, ये पक्का सिद्धांत है। तो एज ए भावेश अगर 6 भाव में सूर्य जाता है या मंगल जाता है या शनि जाता है तो फल में कमी आएगी, लेकिन एज ए ग्रह अगर सूर्य मंगल शनि 6 भाव में हैं तो उनके स्वतंत्र कारकत्वों में थोड़ी वृद्धि, जो स्वतंत्र कारकत्व, बस इतना फर्क पड़ेगा। भाव का प्रकृति, भाव में तो नुकसान ही होगा। अब मंगल मान लिया 3रे भाव का स्वामी है, या मंगल 6 भाव का स्वामी, तो सॉरी 5वें भाव का स्वामी, अब मंगल 6 भाव में चला गया तो आप कहोगे जी मंगल तो, इसके तो कारकत्व बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, मंगल के कारकत्व बढ़ जाएंगे, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे आप, लेकिन मंगल 5वें भाव का स्वामी होने से 5वें भाव के रिजल्ट में कमी ला देगा, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी यदि 6-8-12 भाव में जाए या 6-8-12 का स्वामी किसी भी भाव में जाए तो उसके रिजल्ट में कमी। तो ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी प्रेडिक्शन करते हुए 6-8 भाव के लिए ये जरूर ध्यान रखना है कि 6 भाव में आप ये जरूर देख लें कि एज ए ग्रह और एज ए भावेश, अगर ग्रह कोई प्राप्त ग्रह वहां बैठा हुआ है तो उसके स्वतंत्र कारकत्व में आप कह सकते हो कि थोड़ी वृद्धि होगी। शनि है तो आप थोड़ा कर्मठता आपकी बढ़ जाएगी, मंगल है तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये आप कह सकते हो। बट इट डजंट मीन्स कि मंगल अगर 5वें घर का मालिक है तो संतान सुख होगा, वो प्रॉब्लम तो वो लाएगा, 5वें घर से संबंधित वो प्रॉब्लम लेकर आएगा, क्योंकि 5वें घर का स्वामी 6 घर में चला गया। ठीक है, यहां समझ आया किसी को कोई प्रॉब्लम? देसाई साहब सर, अभी इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन है जो मैंने आज ने कल मैंने भेजा है अपने ग्रुप में। अच्छा, गुरु के बारे में। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा।
हाँ मैंने ग्रुप में एक पोस्ट किया है जी, इफ जुपिटर इज प्लेस्ड इन एट्थ हाउस, बराबर है, तो आप देखो उसमें क्लियर मतलब, और ये जैसे कि एट्थ में है तो आदमी की लाइफ स्पान बढ़ा देगा क्योंकि वो लाइफ का रिलेटेड है, बिल्कुल। जुपिटर जुपिटर वहां गया है तो वो ये बढ़ाएगा, बराबर है। दूसरा है कि उसका जो डेथ होगा वो सब काम कर अपना खत्म करने के बाद वो आदमी जाएगा, जो भी है वो जातक अपने जो भी काम है सब खत्म करने के बाद जाएगा, खत्म करने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो हैप्पीली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ के जाएगा, शांति से जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो खुद शांति का खुद मटेरियलिस्टिक चीजों को पसंद नहीं करता ना, गुरु तो सभी चीजों से मोह माया से दूर होता है, इसलिए वो अपना बिल्कुल ठीक बात है। मृत्यु होगी वो जी। दूसरा है कि वो ऐसा बोला जाता है कि गुरु जहाँ जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उसका कुछ सिग्निफिकेंट जो भी होता है वो उसमें एक कोई भी एक सिग्निफिकेंस में कमी आएगी। मान लो फिफ्थ में है तो या तो लव रिलेशनशिप में उसको धोखा हो सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है, या चाइल्ड बर्थ में कुछ इश्यू आने के चांसेस है, या पढ़ाई में कुछ दिक्कत आने के चांसेस है, मतलब कोई एक सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हाउस जिसमें लॉस होने के चांसेस है, बराबर है। तो मान लो कि जैसे एट हाउस में है तो उसका कोई भी एक जो सिग्निफिकेंस है उस हाउस के रिलेटेड उस पे, तो वो नेगेटिव जो है उसमें कमी आ सकती है वहां, क्योंकि वो एट्थ में प्लेस हुआ, वहां इंपैक्ट करेगा, हाँ तो वहां इंपैक्ट कर सकता है। अब आप देखिए जैसे गुरु सेकंड को देखेगा वहां से सप्तम दृष्टि से, तो उसके इंक्रीज, और आपने बताया था कि गुरु शुक्र ऐसे ग्रह चंद्र और बुध इसकी जहां पे दृष्टि आएगी वो दृष्टि अच्छी अच्छी है, फायदा करेगी, तो सेकंड हाउस पे पड़ेगी तो वेल्थ एंड फैमिली उसको बिल्कुल बढ़ाएगी, वो बढ़ाएगी, बराबर है। उसकी अब आएगा एक्सपेक्ट उसका एक आएगा ट्वेल्थ हाउस पे, पांचवा सातवां नवा तीन हाँ, तो ट्वेल्थ पे आएगा और फोर्थ पे आएगा जी, फोर्थ पे आएगा मतलब घर में शांति वगैरह बढ़ाएगा, सुख बढ़ाएगा, मकान वाहन का सब, भी आपको देगा, हाँ हाँ। और ट्वेल्थ पे आएगा तो वहां पे जो आपके मतलब जो खर्चे जो होते हैं उस पे वो कंट्रोल करवा सकता है, अपव्यय नहीं होंगे आपके, अच्छे मार्गों पे व्यय होगा, हाँ मतलब जो भी व्यय होगा वो मतलब जैसे क्योंकि वो मोक्ष के रिलेटेड भी है बिल्कुल, तो अच्छे मतलब धार्मिक कार्य या वैसे किसी काम में भी आप, या जैसे आप चैरिटी में जाए आपके पैसे या उस तरह से कुछ हो सकते हैं जी, बराबर है। तो बिल्कुल ठीक है, अब आप देखने जाए तो ये सब तो एट्थ में गुरु प्लेस्ड है फिर भी तो फायदेकारक ही है ना। देखिए मैं आपको अभी जब आप गोचर पढ़ेंगे आगे जब मैं गोचर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कई बार चीज क्या होता है ना कि ग्रह आपको ऐसा ही नहीं खाली कि किसी ग्रह को हमने कहा कि जी वो आठवें में चला गया, ठीक है अगर वो आठवें में चला गया तो उसका नुकसान तो वो कर ही रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है जिस भाव का वो स्वामी है, लेकिन वहां पर उस जगह का क्या फायदा कर रहा है वो एक आपको देखने वाली बात भी है ना, वो भी तो आपको देखना है, ऐसा ही नहीं खाली, ठीक है गुरु जिन भावों का स्वामी है अष्टम में जाने से उन भावों में थोड़ी कमी आई, इसमें मतलब मान लो कि जैसे वो मान लो मेरा गुरु अष्टम में है और मेरा लग्नेश है मतलब मीन लग्न है तो मेरा खुद के मतलब डिस्टर्ब रहेगा या शांति नहीं, स्वास्थ्य में कमी है, हाँ स्वास्थ्य में, हाँ स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, बिल्कुल 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 पैसा होगा, और साथ साथ में वो हुआ टेंथ हाउस का मतलब जॉब में सेटिस्फेक्शन न मिले या वर्क प्लेस पे जरा डिस्टर्बेंस रहे उस मतलब उस भाव का नुकसान करेगा, लेकिन बाकी सब ओवरऑल दूसरा सब फायदा, वही दिया हुआ है इसके अंदर, मैंने वही बताया कि छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी किसी भाव में जाए तो उस भाव की हानि करता है, या छठे आठवें बारहवें में कोई भी ग्रह जाए भावेश तो उस भाव की हानि होती है जो ग्रह भावेश के भाव है, बस इतना मैंने आपको बताया कि सूर्य मंगल और शनि ये तीन ग्रह अगर छठे भाव में जाए तो इनके स्वतंत्र कारकत्व बढ़ जाते हैं, लेकिन जिस ग्रह भाव के ये स्वामी है उस भावों के रिजल्ट में कमी आ जाएगी,
बस इतना याद आप रखिए, आप हमेशा ग्रह को दो नजरिए से देखिए, ग्रह को ग्रह के हिसाब से देखिए, ग्रह को भावेश के हिसाब से देखिए कि कौन सा ग्रह है, ग्रह के स्वतंत्र कारकत्व पे क्या असर पड़ने वाला है, और ग्रह के भाव, जिस ग्रह किस भाव का स्वामी है, दोनों चीज का नजरिया आप अगर साथ साथ चला के रखेंगे अपने साथ, तो आपको रिजल्ट देने में, प्रेडिक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले सोचिए ये ग्रह है, इस ग्रह के ये कारकत्व, फिर सोचिए कि ये ग्रह इस भाव का स्वामी है, अब ये ग्रह कहां गया, क्या छठे भाव में जाने पे अशुभ ग्रह को प्रसन्न मुद्रा आती है, ठीक है तो स्वतंत्र कारकत्व बढ़ गए, लेकिन तीसरे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में चला गया तो तीसरे भाव के रिजल्ट्स में कमी आती है। तो ये सब चीजें भी आपको साथ साथ देखनी होंगी, तभी आप इसके अंदर रिजल्ट बिल्कुल ठीक दे पाएंगे। तो ये आपका, तो मैंने यही आपसे कहा कि ग्रह को दोनों हिसाब से आपको देखना है, कि ग्रह पहले तो ग्रह है, फिर आपका भावेश, इन दोनों हिसाब से आप इसको देखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया रूप से मिल जाएंगे। तो ग्रहों को जरूर समझना है कि नैसर्गिक रूप से शुभ है या अशुभ है। देखिए, जैसे देसाई साहब आपने अभी एक बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने बृहस्पति के बारे में, एक ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ अशुभ है, गुरु है, शुक्र है, अष्टम भाव में है, ठीक है कि वो गुरु जो है वो अष्टम भाव में है, तो जिन भावों का स्वामी है उन भावों में हानि तो होनी है, लेकिन गुरु उसके साथ साथ एक नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है, तो गुरु अष्टम भाव के रिजल्ट्स को भी इंक्रीज करेगा। मतलब अभी जैसे मेरा गुरु अष्टम में है, मैं एस्ट्रोलॉजी की और इंटरेस्ट से आगे बढ़ रहा हूँ, या नॉलेज मिल रही है, या जो एनालाइज करके जो बिल्कुल जिस पे पिन पॉइंट करना होता है वो इजीली हो जाता है, इसीलिए हो जाता है। मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ग्रहों के सबसे पहले जब भी आप प्रेडिक्शन करें तो ये देखिए, जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो नैसर्गिक रूप से कैसा है। अगर वही ग्रह शनि होता आपके आठवें, आपका ग्रह मान लिया मंगल होता आठवें भाव में, तो परेशानी क्रिएट करता, आपको एक्सीडेंट देता, आपको चोट चपेट देता, ऑपरेशन वगैरह करवाता, लेकिन चूंकि गुरु और शुक्र जैसे ग्रह वहां पहुंच गए तो वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और शुभ ग्रह ऐसे जगह जाने पर भी आदमी को नुकसान नहीं होने देते, वो उसका थोड़ा बहुत जहां दृष्टि डालते हैं वहां भी फायदा करते हैं, जहां बैठे हैं वहां भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन जिन भावों के स्वामी हैं अगर उनके स्वामी होकर वो छठे आठवें भाव में गए तो उन भावों का जरूर वो नुकसान थोड़ा होता है। तो सबसे पहले ग्रह जब भी आप प्रेडिक्शन करें तो देखें कि ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है या अशुभ है, नैसर्गिक रूप से उसके मित्र शत्रु कौन कौन से हैं, नैसर्गिक रूप से उसके स्वतंत्र कारकत्व कौन कौन से हैं, कालपुरुषी पत्रिका में वो कहाँ का स्वामी बनता है वो भी बहुत जरूरी होता है। तात्कालिक रूप से तो डिफर करेगा कि भी किस भाव का स्वामी है वो तो अलग है, किन ग्रहों के प्रभाव में है, किन ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर है वो भी देख लेते हैं। अन्य वर्गों में स्थिति, षडवर्ग या थोड़ा बहुत वर्ग हम देखेंगे अभी आगे, तो उन वर्गों में क्या स्थिति है वो भी एक बार देख लेते हैं, आल्दो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते अन्य वर्गों का नॉर्मली हम लोग। D9 में तो बहुत ही जरूरी है, D9 में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि D9 में तो वेटेज बहुत ज्यादा होती है, जो वेटेज होती है D9 की वेटेज बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट D9 के अंदर तो हमको बहुत देखना जरूरी है। तो ये हमारा ये हुआ, हॉरोस्कोप देखते वक्त देश काल परिस्थिति हमको जरूर देखनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अकॉर्डिंग टू कंट्री या स्टेट आपको देखना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पत्रिका किसी साउथ अफ्रीकन की या किसी अफ्रीकन कंट्री के आदमी की, और आप कह रहे हैं कि भाई मेष लगन है आपका या वृष लगन है आपका, तो आपका जो हमारे उसमें लिखा है शास्त्रों में कि रंग गोरा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, और आप वो बताते हैं, तो वो चीज नहीं है, क्योंकि देश काल परिस्थिति डिफरेंस है, तो आपको प्रेडिक्शन करते हुए वो भी देखना है। अब एक राज्य ऐसा है जहाँ पे शादी राजस्थान है, जहाँ पे शादी आपकी बहुत जल्दी हो जाती, वहां अगर आप किसी की शादी 24-25 साल की उम्र में बोलते हैं तो वो डिले मैरिज कहलाएगी, या 26 साल की उम्र में बोलते हैं तो वो डिले मैरिज कहलाएगी। उसके विपरीत बंगाल के अंदर जो 30-35 साल की उम्र पर शादी भी आपकी नॉर्मल शादी कहलाती है। तो आपको ये भी देखना है कि जो पत्रिका आप देख रहे हैं वो बंदा किस स्टेट का है, आधी बात तो आपको उससे समझ नहीं है कि उस स्टेट की कल्चर क्या है, किस जाति को बिलोंग करता है, वो भी आएगा, जैसे वो भी आप जैसे तो जो हमारे में, हम जैसे नागर ब्राह्मीण है तो हमारे में शादी डिले ही होती है, पढ़ाई लोग पहले पढ़ ही करते हैं लोग, फिर पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, तो वो सब भी तो देखना पड़ेगा ना, वो भी देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको बोलना है कि भैया
आपके यहाँ पहले जैसे आप किसी को शादी के बारे में बोलने जा रहे हो, आप किसी को एकदम छूटते ही बोल दो तुम्हारी डिले मैरिज, पहले उससे पूछ लो कि भैया नॉर्मली आपके यहाँ शादी कितनी उम्र में होती है, तो वो बताएगा साहब 24-25 साल की उम्र नॉर्मली शादी होती है। अब आप देख रहे हो कि भाई पत्रिका जो है ये 30 साल की बच्ची की है या 29 साल की बच्ची की है और शादी के अंदर व्यवधान आ रहा है, तो आप कह सकते हैं डिले मैरिज, या शनि देख रहा है सातवें भाव को या कुछ भी कर रहा है, तब आप कह सकते हैं डिले मैरिज। अब यही पत्रिका अगर बंगाल की है और आप कहो कि भैया आपकी डिले मैरिज है, तो वो तो डिले मैरिज होने का कुछ सेंस नहीं है वहां पे, वहां 30 साल तक शादी होती है, 32 साल तक शादी होती है। तो डिपेंड करता है कि शादी और बच्चे दोनों के लिए ये चीज, उसके लिए भी आदमी के रंग रूप के लिए, शादी बच्चों के लिए, आदमी की नेचर के लिए। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको अफेयर्स के लिए, जैसे मैं शायद आपको बताया हो कि मैंने ही एक कुंडली देखी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मेरी फॉरेन कंट्री में थे वो, डेनमार्क से आई थी, स्वीडन से आई थी कुंडली, तो उन्होंने मुझे बोला कि साहब ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरी दो कुंडली देखनी है आपको, मेरी वाइफ की और मेरे बच्चे की। तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो थी वो मतलब आप समझ लीजिए करीब 95 या 96 का था उसका बच्चा, ईयर 95 की थी, और शादी की डेट थी उसकी 97-98 की। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था, तो मैंने कहा भैया ये ऐसे कैसे हो गया, तो कहता सर वो बच्चा हमारे यहाँ पहला हो गया, शादी बाद में हुई, हम लोगों ने बाद में रख दिया शादी बाद में। तो अब ये चीज भी देखनी है कि कैसा सिस्टम होता है वहां, आपको मतलब एकदम घबराना नहीं है कि नहीं जी नहीं, ये तो पत्रिका गड़बड़ हो गई आपकी, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले शादी की उम्र होनी चाहिए फिर बच्चे का होना चाहिए। तो वो भी देशकाल परिस्थिति में आज की डेट में, उस वक्त जब शास्त्र लिखे गए थे तो अखंड भारत था, अखंड भारत में और कोई नहीं हुआ करता था, अखंड भारत बोला करते थे, शायद यही मानते थे कि यही एक है। तो उस वक्त जब शास्त्र ये पुराण या नव जो हमारे वेद या जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं ज्योतिष के, तो उस वक्त की देशकाल परिस्थिति को देख कर लिखे गए। इसलिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भी आप पढ़ो तो उसमें भी कई जगह लिखा हुआ है कि ये ग्रहों का संगम हो तो शादी 15-16 साल के बीच में होती है, ये ग्रहों का संगम हो तो शादी 27-28 साल के बीच में होती है, ये ग्रहों का संगम हो तो शादी 8-10 साल की उम्र में होती है। चूंकि उस वक्त प्रोविजन था ऐसा, उस वक्त चलता था ऐसा, लेकिन आज गवर्नमेंट की साइड से बैन है, आज 21 साल से पहले या 23 साल से पहले आपने शादी करनी नहीं है, तो आप कैसे किसी को कह दो कि भाई 8 साल की उम्र में तेरी शादी हो जाएगी या 10 साल की उम्र में। आपने देखा भरत पराशर शास्त्र के हिसाब से कि ये संगम बन रहा है, ये ग्रहों का संबंध बन रहा है, और आपने कह दिया कि नहीं तुम्हारी शादी 10-12 साल में होनी चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ आप ये कहेंगे तुम्हारी शादी अर्ली मैरिज, मतलब जो तुम्हारे यहाँ देशकाल परिस्थिति के हिसाब से डेट आती है उसके हिसाब से सर्दी होती, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि दृष्टि जो होती है उम्र देखें उसके अनुसार सोचे। अच्छा अब उम्र भी देखनी है इंसान की, अब आपने आ गया छोटा सा बच्चा उसका पांचवा भाव देख रहे हो, अभी वो 10 साल का है, और आप कह रहे हो भी तेरा लव अफेयर सही नहीं रहेगा, तेरा ये सही नहीं रहेगा, तो वो भी नहीं ध्यान रखना है क्योंकि बच्चा है अभी छोटा, उसकी उम्र देख के आपको सोचना है कि उसकी उम्र के हिसाब से उस भाव के रिजल्ट क्या मिलते हैं। आप उसकी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, आप उसकी बुद्धि के बारे में बात करेंगे, आप इन चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये भी देखना है। या आप उसकी कुंडली देख रहे हैं तो आप बोलेंगे भाई तुम्हारी कुंडली से तुम्हारे आने से तुम्हारे फादर को ये फायदा होगा, यानी उसके नवे भाव को या उसके सूर्य को आप लगन बना के दिख सकते हैं, या उसके सूर्य से नवे भाव को लगन बना के दिख सकते हैं, तो वो पिता की कुंडली बन जाती है। तो आप कह भी सकते हैं कि भाई आपके पिता को ये फायदा होगा, या आपके पिता की धन की वृद्धि होगी, वो भी आप बता सकते हैं। जो उसका लगन है जहाँ सूर्य उसका बैठा है, या तो उससे लगन बना लीजिए, या उसके नवे भाव को लगन बना लीजिए, या सूर्य से नवम भाव को लगन बना लीजिए, तो वो पत्रिका उसके पिता की पत्रिका। तो जब बच्चे की पत्रिका देखें तो बच्चे का तो देखें ही देखें, उसकी एजुकेशन क्या है, वो क्या है, बुद्धि क्या है, वो चीज़ तो देखें, उसके साथ साथ उस पत्रिका को घुमा भी ले, उसमें उसके फादर की पत्रिका लगा के देखें भाई तुम्हारे फादर का समृद्धि होगी, बिजनेस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो भी आपको बताना है। उस बच्चे से नहीं बढ़ाना, वो अभी बच्चा बैठा नहीं है उससे कहने लगे कि तुम्हारी शादी होगी, अभी शादी के लिए उसके 20 साल पड़े हैं, अभी सब पढ़ना लिखना है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है कि जब किसी बच्चे की पत्रिका आप देखें या किसी बड़े की पत्रिका आप देख रहे हैं तो वो सोचे। अब मान लिया कोई 60-70 साल का आदमी है, पांचवें घर से संबंधित कोई एक्टिव हो रहा है और हम कहने लगे भी तुम्हारे लव अफेयर सुन दे, तो वो मतलब थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो उसकी उम्र भी देखनी है कि भाई लव अफेयर होंगे या नहीं होंगे, ऐसा संगम बन रहा है लव अफेयर होंगे या नहीं होंगे, तो वो चीज भी हमें देखनी है कि इसकी उम्र क्या है, या दूसरा विवाह या तीसरे विवाह की बात चल रही है तो उम्र क्या है। ठीक है एक्सेप्शन होते हैं,
एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत से लोग हैं जैसे कबीर बेदी टाइप के जो दो दो तीन तीन शादी कर लेते हैं और 70-70 साल की एज में भी उन्होंने शादियां की हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल केसेस में ऐसे एक्सेप्शंस बहुत कम है। अच्छा, तीसरी चीज होती है कि दृष्टि ग्रह की होती है भावेश की, ये याद रखिए, दृष्टि ग्रह की होती है भावेश की। ये मैंने आपसे पहले बताया कि ये मत सोचिए कि गुरु आठवें भाव का स्वामी है या गुरु छठे भाव का स्वामी है तो दृष्टि खराब होती है, गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी है। तो दृष्टि ग्रह की होती है भावेश की नहीं, बुध की दृष्टि हमेशा अच्छी होगी अगर बुध अकेला है, शुक्र की दृष्टि हमेशा अच्छी होगी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये मत सोचिए कि शुक्र आठवें भाव का स्वामी है कि कुंडली के अंदर या छठे भाव का स्वामी है, अष्टमेश है या षष्ठेश है तो आप कहोगे अष्टमेश की दृष्टि पड़ रही है या षष्ठेश की दृष्टि पड़ रही है तो तुम्हारे रिजल्ट खराब हो गए, रिजल्ट में कमी आएगी, नहीं बिल्कुल नहीं, अष्टमेश हो या षष्ठेश हो लेकिन शुभ ग्रह है तो शुभ दृष्टि। सर एक मिनट, आप जब बुध का आपने अभी बताया कि अकेला बैठा है तो उसकी दृष्टि अच्छी रहेगी, लेकिन जब लास्ट टाइम पे मैंने आपको पूछा था बुध और चंद्र के बारे में, मान लो कि चंद्र कौन सा उसमें आता है, बराबर है, 15 दिन वो अच्छा 15 दिन वो बुरा गिना जाएगा जी, बुध जब किसी पाप ग्रह के साथ है तो वो उसको बुरा गिनते हैं हम, बराबर है जी, लेकिन जी, तब भी आपने ऐसा बोला था कि दृष्टि सौम्य होती है, दृष्टि सौम्य ही रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको देखिए सौम्य में और अच्छी में दोनों में फर्क है, मतलब नुकसान नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी, सौम्य दृष्टि का मतलब होता है कि वो आपको नुकसान नहीं करेगी बिल्कुल भी, अच्छी दृष्टि का मतलब फायदा नहीं करेगी, फायदा नहीं है तो फायदा नहीं होगा ज्यादा। हाँ बस ये है कि चंद्र पापी हो, चंद्र क्षीण चंद्रमा हो, बुध पापी ग्रहों के साथ बैठा हो तब भी उसकी दृष्टि नुकसान नहीं करती, लेकिन भी नहीं करेगी, हाँ फायदा नहीं करेगी, नुकसान तो नहीं करती, लेकिन अगर बुध चंद्र अकेले हैं और चंद्र भी आपका पक्षबली है और बुध भी आपका अकेला है तो उसकी दृष्टि जैसे शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि फायदा करती है तो ऐसी फायदा करती है, तो ये ध्यान रखना है कि दृष्टि ग्रह की होती है भावेश की। फिर कुंडली देखते वक्त हमको तीन चीज ध्यान में रखनी है, भाव, भावेश और कारण, कि जब भी किसी कुंडली को देखें तो सबसे पहले भाव देखें कि भाव में क्या बैठा है, भाव में कौन ग्रह बैठा है, भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है या नहीं बैठा, भाव का स्वामी भाव में तो नहीं है, भाव पे भाव के स्वामी की दृष्टि तो नहीं है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे भाव बल कैसा है, भाव की पोजीशन क्या है, उसके बाद देखेंगे भावेश कि जो भाव का स्वामी है वो कहा गया, छठे आठवें भाव में बैठा है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है या दूसरे और तीसरे भाव में बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ, तब उसकी स्थिति देखेंगे। तो पहले हमने भाव देखा, फिर भावेश देखा कि उसकी स्थिति क्या है, फिर कारक देखा, भाव का कारक, क्योंकि हर भाव के अलग अलग कारक हैं, स्थिर कारक हैं, तो हर भाव के स्थिर कारक हैं तो आप अब कारक देखेंगे, जैसे चौथे भाव की स्टडी आप कर रहे हैं, चौथे भाव का स्टडी आप कर रहे हैं तो आपने भाव में देखा कि भाव का स्वामी कौन है, भाव पे किस ग्रहों की दृष्टि है, अब भाव का कारक जब आया तो चंद्रमा देखा आपने कि चंद्रमा को देख लो भैया कि चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा बुरे प्रभाव में तो नहीं, चंद्रमा 6-8-12 में तो नहीं, तो आप बोलेंगे कि भाव भी अच्छा है, भावेश भी अच्छी पोजिशन में है, भावेश का भी काम अच्छा है, कारक भी अच्छा है, तो सर्टेनली आप कहोगे 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब इस तीन में से दो चीज अच्छी है एक चीज खराब है तो 66% रिजल्ट हो गए आपके, आप हर चीज के 33% रिजल्ट भी मान लें कि भाई भाव के 33%, भावेश के 33%, कारक के 33%, तो 33, 33, 33, 99% रिजल्ट या 100% रिजल्ट हो जाते हैं, तो तीनों चीज अच्छी है तो 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आपको मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये जरूरी देखना है कि भाव कैसा है, भावेश कैसा है, कारक कैसा है, भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, भाव में भाव का स्वामी है या नहीं है, भाव को भाव का स्वामी देख रहा है या नहीं है, भाव में उच्च का ग्रह बैठा है या नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो तो भाव बली हो जाता है, भाव को भाव का स्वामी देख रहा हो तो भाव बली हो जाता है, भाव में भाव का स्वामी बैठा हो तो भाव बली हो जाता है, भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रह देख रहे हो भाव को तो भाव बली हो जाता है, इसी प्रकार भावेश अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में चला जाए तो बली हो जाता है, भावेश पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बली हो जाता है, इसी प्रकार कारक भी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में चला जाए तो बली हो जाता है, कारक पे भी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो वो भी बली हो जाता है। अब उनपे स्थिति तो अच्छी है उनकी, भावेश चला गया केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में या कारक चला गया केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में लेकिन प्रभाव उस पर अच्छा नहीं है तो वो आपको तारतम्य से अपना थोड़ा रिजल्ट उसका रिड्यूस करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कितना परसेंट रिजल्ट हमारा इसके ऊपर फर्क पड़ता है, जो हमने पीछे बताया कि स्थिति देखनी है, प्रभाव देखना है आपको,
उसके बेस पे भी आपको सोचना है। फिर आपको देखना है स्थिर कारक और चर कारक। तो स्थिर कारक तो हर भाव के स्थिर हैं, वो तो आप जानते ही हैं कि दूसरे भाव का कारक गुरु है, पहले भाव का कारक सूर्य है, तीसरे भाव का कारक मंगल है, चौथे भाव का कारक चंद्र है, वो आप सब लोग जानते हैं स्थिर कारक कौन कौन से। तो स्थिर कारक तो हमें दिखना ही दिखना, भाव, भावेश और स्थिर कारक। फिर आपकी चीज आती है कि भाव के क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए जो भी क्वेश्चन किसी क्लाइंट का होता है तो वो क्वेश्चन का आंसर किस ग्रह से मिलेगा, दो चीज आपको ध्यान देने वाली है। नंबर वन कि वो किस भाव से रिलेट करता है, नंबर दो वो किस ग्रह से रिलेट करता है। उनका जो क्वेश्चन है, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं या मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये किस भाव से रिलेटेड पूछ रहा है और किस ग्रह से रिलेटेड पूछ रहा है। वो कोई आदमी कह रहा है जी मेरी कोर्ट केस है, मेरी कोर्ट केस में हियरिंग होगी या नहीं, कोर्ट केस का कारक शनि होता है, बुध होता है कोर्ट केस का कारक, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे ये सब चीजें, तो आपको मालूम चलेगा जब मैं गोचर पढ़ाऊंगा आपको उसके अंदर बहुत सी चीजें मालूम चलेगी। गोचर के अंदर मैंने करीब 65 के अराउंड वो बनाए हुए हैं फॉर्मूले जो हमारे गुरु जी ने हमको बताए हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे उसके अलावा, और उसके अंदर भी ये सब चीजें आपकी इसमें आएंगी। तो ये भी देखना जरूरी है कि उसका ग्रह कौन है। अब जैसे मान लिया आप व्हीकल की बात करते हैं कि भाई मुझे वाहन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप चौथा भाव देखिए, चौथा भाव में देखिए भाव कैसा है या नहीं है, भावेश कैसा है या नहीं है, और फिर आप देखेंगे कि चंद्रमा कैसा है या नहीं है, कारक जो है। उसके बाद व्हीकल का कारक कौन है, व्हीकल कौन देता है, वो शुक्र है, तो शुक्र को भी देखिए, चर कारक को भी देखिए। तो आपको ये भी ध्यान देना है क्योंकि दाता ग्रह शुक्र हो गया। अब आप कहते हो मुझे घर खरीदना है और लग्जरियस फार्म हाउस खरीदना है, तो मेरा फार्म हाउस होगा या नहीं, तो आपने कहा कि ठीक है भाई तेरा भावेश भाव बहुत अच्छा, चौथा चौथे भाव से संबंधित है, चौथे भाव का स्वामी बहुत अच्छा प्लेस है, सब कुछ है, चौथे भाव का कारक भी बहुत अच्छा प्लेस है, और जो फार्म हाउस की बात कर रहे हो, लग्जरी फार्म हाउस की बात कर रहे हो, तो वो तुम्हारा मैटर करता है शुक्र के साथ। जो फार्म हाउसेज हैं या लग्जरी की चीजें हैं जितनी भी, चाहे वो गाड़ी हो, घोड़ा हो, मकान हो, ये लग्जरी वाली चीजें होती है, फार्म हाउसेज हो, वो आपका शुक्र देता है। तो शुक्र को भी आपको चेक करना है कुंडली में कि शुक्र भी कुंडली में ठीक है या नहीं। तो हमेशा क्वेश्चन का जब आपके पास आए, जब हम परीक्षण करेंगे कुंडली के अंदर, तो हम हर चीज का क्वेश्चन का आइडिया लगाएंगे कि इसका चर कारक क्या है, इसका स्थिर कारक क्या है। स्थिर कारक तो हमें मालूम होता ही है हर भाव का, और उसको देने वाला ग्रह कौन सा है, दाता ग्रह कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर ध्यान में रखना है कि दशा में रिजल्ट कहाँ पे मिले। ये जैसे मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए कि दशा में रिजल्ट कहाँ के मिलेंगे। दशा में रिजल्ट जो मिलते हैं वो मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह अपने स्वतंत्रता, सबसे पहले तो चेक कर लीजिए ग्रह आपका शुभ या अशुभ कैसा मर्जी है वो देख लीजिए नैसर्गिक रूप से, तो ग्रह के स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के फल मिलते हैं। नंबर वन ग्रह की दशा में उसके स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं उनके फल मिलेंगे। नंबर टू अभी मैं बात की पहले की बात कर रहा हूँ, जो फल आपको वैसे ही मिलते हैं, जो फल मतलब मिलने चाहिए आपको, कुछ फल ऐसे हैं जो मिलने चाहिए, कुछ फल ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे ही। दो तरह के फल हैं, ग्रह की दो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो कुछ फल देना वो दे सकता है, एक कुछ फल वो देना पड़ेगा उसको हराना। तो वो मैं बता रहा हूं कि वो क्या दे सकता है और क्या उसको देना पड़ेगा। ग्रह दे सकता है अपने स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के फल, काल पुरुषी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उस भाव के फल, भले ही दशा चल रही हो चौथे भाव के स्वामी की या पांचवें भाव के स्वामी की, लेकिन जो ग्रह अगर काल पुरुषी कुंडली में वो आपका दसवें और ग्यारहवें भाव का स्वामी है तो आपको दसवें और ग्यारहवें भाव के रिजल्ट भी साथ साथ मिलेंगे। आप ये मत कहिए कि चौथा पांचवा तो मेरा एक्टिव है, दसवें ग्यारहवें के रिजल्ट कहां से आ रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रह जो है काल पुरुषी कुंडली में किन भावों का स्वामी होता है। इसलिए कहते हैं हमेशा कि शनि जिस घर में जाता है उसकी हानि नहीं करता बल्कि वृद्धि करता है। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिए क्योंकि शनि काल पुरुषी कुंडली में वृद्धि का कारक है, ग्यारहवें भाव का स्वामी है। तो इसीलिए सर गुरु जहां जाता है, हाँ, बात है उस हाउस को थोड़ा नुकसान करेगा। Yes. तो ये आपको ध्यान देना है कि ग्रह के स्वतंत्र कारकत्व क्या है। नंबर वन ग्रह
किन भावों का काल कृषि कुंडली में स्वामी है, नंबर टू उनके फल दे सकता है, नंबर तीन ग्रह फल दे सकता है कि वो किन भावों का कारक है, स्थिर कारक। अब गुरु की बात चल रही है तो गुरु दूसरे भाव का कारक भी है, गुरु धन भी दे सकता है, भले ही गुरु आपकी कुंडली के अंदर छठा भाव एक्टिव कर रहा है या पांचवा भाव एक्टिव कर रहा है, लेकिन वो धन भी दे सकता है आपको। गुरु पांचवें भाव कारक भी है तो संतान भी दे सकता है आपको, गुरु नौवें भाव कारक भी है तो स्पिरिचुअलिटी भी दे सकता है आपको, गुरु ग्यारह भाव कारक भी है तो लाभ भी दे सकता है आपको। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो कहाँ का स्थिर कारक है, तो जिन भावों का वो स्थिर कारक है उन भावों के फल भी वो दे सकता है। तो सर गुरु सबसे ज्यादा उसके पास मतलब, हाँ, तो गुरु जिसका खराब है उसको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। लाइफ तो गुरु, क्योंकि गुरु मैक्सिमम भावों का कारक है तो मैक्सिमम भावों का फल देगा, लेकिन गुरु खराब होते हुए भी सही कर जाएगा क्योंकि दृष्टियां तीन तीन है उसकी अच्छी है, हाँ, तो वो सब चीजें ठीक ठीक कर देगा, तो ये एक फायदा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि ग्रह के स्वतंत्र कारकत्व कौन से हैं, नंबर टू देखिए ग्रह कालपुरुषी कुंडली में किन भावों का स्वामी है, नंबर तीन ये देखिए ग्रह कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से किन भावों का स्थिर कारक। फिर क्या देखना, फिर देखना है कि ग्रह जो तात्कालिक कुंडली है, जो कुंडली हम देख रहे हैं उनमें किन भावों का स्वामी, वहां रिजल्ट देगा। फिर ये तो रिजल्ट वो दे सकता है, ये रिजल्ट वो है जो वो दे सकता है। इसके अलावा दो रिजल्ट ऐसे हैं जो उसकी देने की बाध्यता है, जो उसको देने ही हैं। नंबर वन जहां वो बैठा है और जहां वो देख रहा है वहां के रिजल्ट उसको देने ही हैं, हर हालत वो डिनाई कर ही नहीं सकता। ये अंतरदशा में होता है ना सर, अंतरदशा उस ग्रह की जब अंतरदशा चलती है जी 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 तब ये रिजल्ट, हाँ तब ये रिजल्ट आएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि जहां बैठा है और जहां देख रहा है वहां तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे 100% आपको, वो तो भाव व्यक्ति हो ही होंगे। उसके अलावा जो भावों का कारक है, जिन भावों का स्थिर कारक है, जिन भावों का वो कालपुरुषी कुंडली में स्वामी है, उन भावों के रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं। आप घबराइएगा नहीं कि यार ये कहां से मिल गया मुझे, वो भी मिल सकता है आपको। शनि कुंडली में आपको लाभ भी होता है क्योंकि शनि लाभ भाव का स्वामी भी है। आप कह रहे हो यार शनि की दशा चल रही है और मुझको तो लाभ भी हो गया, हाँ ठीक है बीमारी तो हुई थी मुझे, प्रॉब्लम तो मुझे हुई थी, प्रॉब्लम तो थी साथ में, लेकिन यार लाभ हो गया। सो शनि ने कहां से लाभ दे दिया, अरे भैया शनि कालपुरुषी कुंडली में ग्यारह भाव का स्वामी है तो वो भी आपको दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कुछ फल आपको दशा में ऐसे मिलते हैं ग्रह की कि आप सोचते हो कि यार ये वाला भाव तो एक्टिव नहीं था, ये फल कहां से आ गए। तो जब आप कालपुरुषी कुंडली स्वतंत्र कारकत्व और भाव स्थिर कारक वगैरह सब देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा अरे भैया ये फल तो यहां से आए। तो ये चीज भी आपको कुंडली बनाते वक्त, कुंडली देखते वक्त हमेशा याद रखनी है। इसके चीज याद आप रखेंगे तो आपको बहुत कुंडली देखने के अंदर मजा आएगा और कुंडली देखने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। और इसमें कोई चीज हो तो बताइए, और कोई कोई चीज पूछना चाहता हो इसके अंदर, आज हम यही समाप्त करते हैं। हाँ बताइए गोस्वामी जी। गोस्वामी जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, जरा मेरे दो तीन क्वेश्चन है सर, जरा से। हाँ बोलिए बोलिए सर। मेरा ये पर्सनली क्वेश्चन है, ये मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इसमें मैं जो स्टोन पहनना चाह रहा हूँ तो कौन कौन से स्टोन और कितने रत्ते के पहनने हैं सर। वृश्चिक लग्न की कुंडली आपकी, एक सेकंड देखिए, लग्न के मित्रों को स्टोन आप पहन सकते हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो मंगल का तो पहन ही सकते हैं गूंगा जी सर। जी सर ये देखिए आपका, एक सेकंड मैं बताता हूँ सर। उसका प्लेसमेंट भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, एकदम देखना पड़ेगा। हाँ मंगल सर पहले भाव में बैठे हैं, मंगल का मुंगा पहन लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। पहले भाव में लेकिन सर पहले भाव में बैठे हैं मंगल। हाँ तो बढ़िया बात है ना, मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है। 6-8-12 में प्रॉब्लम, 6-8-12 में नहीं होना चाहिए। अच्छा कितने रत्ती का सर? 7.5 रत्ती का पहन लीजिए नॉर्मली पुरुषों के लिए, 7.5 रत्ती का, क्योंकि नॉर्मल वजन आपका डिपेंड करता है ना। नॉर्मल वजन देखा इनका 70 किलो से 80 किलो के बीच में होगा। यस सर आपका वजन है ना। यस सर यस सर। हाँ तो 7.5 रत्ती का पहन लीजिए नॉर्मली, इसलिए पुरुषों को जिनका वजन 70 से ऊपर है और 80 से नीचे करीब है, 72 तो 7.5 रत्ती का पहना सकते हैं। वैसे
दस किलो कहते हैं कि 10 या 12 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से होता है जी सर। और इसके अलावा और सर, और स्टोन आप पहन सकते हैं, पुखराज भी पहन सकते हैं, बरसते आपका बृहस्पति अच्छा प्लेस हो कुंडली के अंदर सर, सर दसवें भाव में, हाँ दसवें भाव में है तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है और वो लग्न का मित्र भी है तो वो भी आप पहन सकते हैं। और सर मैंने सर मैंने मैं एक वो मुंगा वो मोती पहन रखा सर, ये दसवें भाव में पहले से सर ये चंद्रमा। अच्छा ठीक है, हाँ चंद्रमा लगन का मित्र है और चंद्रमा इस कुंडली में नवे भाव का स्वामी है तो सर ये सवा सात रत्न के जी सर, सवा सात रत्न के पहनने सर ये, हाँ सवा सात रत्न जी सर। अच्छा सर अगर आपको वजन 70-80 के बीच में, यस सर इतना ही है सर, 69 है लेकिन सर ठीक है, हाँ ठीक है जी जी। अच्छा सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जैसे अभी जो ना ये राहु और केतु जो जिस भाव में बैठते हैं तो ये सुनने में कि आता है कि उसी जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में जो राशि है ये उसी राशि के अनुसार फल देते हैं। देखो ऐसा है, राहु के राहु स्वामी के हिसाब से हो जाएगा, सब लोग म्यूट कर लीजिए, मैं राहु केतु के बारे में मेरा चैप्टर नेक्स्ट है, मैंने बीच में अभी आपको ये रिपीट करा दिया राहु केतु के बारे में, अगला क्लास जो शनिवार को हमारी होगी उस शनिवार के चैप्टर में हम राहु केतु तारा चक्र ये सब चीजें लेंगे तो उसमें मैं आपको राहु केतु का बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। राहु केतु सर बकरी का भी तो बाकी है ना, हाँ बकरी पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए सर, जो कहोगे वो पढ़ाऊंगा। अच्छा सर सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सर गोचर में जो है हम ग्रहों को लगन के अनुसार रख के देखें या चंद्र राशि के अनुसार रख के देखें? कहाँ लगन के हिसाब से देखना है, कहाँ चंद्र के हिसाब से देखना है, ये पीछे मैंने अभी करा भी था, लेकिन नॉर्मली आप चंद्र के हिसाब से देखिए, बट मैं आपको पीछे पढ़ाया तो है मैंने आपको उसके अंदर के सर, लेकिन गोचर में तो कंफ्यूजन बहुत रहता है सर गोचर का। चलो अच्छा ऐसा है ना, जब मैं आपको 65 पॉइंट क्लियर करूंगा वो वाले तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सर प्रिडिक्ट करने में जब तक गोचर नहीं कर पाओगे तब तक वो आप कुछ भी मतलब कंक्लूड नहीं कर सकते ना। आप चिंता मत करो, गोचर आपका मैं परफेक्ट करा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर। एक लास्ट क्वेश्चन और है सर, हाँ बोलिए सर, अगर मारक ग्रह अच्छी जगह पर है सर, केंद्र में है या त्रिकोण में है या अच्छे भाव में बैठा हुआ है लेकिन कुंडली का मारक ग्रह है तो वो अच्छे ही फल देगा? लेकिन उस भाव का तो नुकसान करेगा ना सर, नहीं नहीं जहाँ पे इसमें डिफरेंस है जैसा हिसाब जरा देखिए, क्योंकि इसमें क्या है कि मारक भाव जो है वो दूसरे और सातवें भाव को मानते हैं, और दूसरे भाव का स्वामी अगर होके कोई ग्रह चौथे भाव में प्लेस्ड है या पांचवें भाव में प्लेस्ड है तो वो उस भाव का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो ठीक है जब मारक खंड आएगा तब वो आपको उस दशा वो दशा मार सकता है। मारक खंड कब आएगा, मारक खंड कब आएगा, मारक खंड में आपको पढ़ाऊंगा अभी सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये मेरी कुंडली का ही पर्सनल क्वेश्चन है सर, शुक्र मेरे दसवें भाव में बैठे हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र जो है मारक है और वो सर दसवें भाव में बैठे हैं जबकि वो सातवें और बारहवें घर के स्वामी हैं, तो सर उनके फल कैसे होंगे? भाई आपका शुक्र जो है देखो ना सिंपल सी बात, मैंने आपको क्या बताया स्थिति बताई, आप में से कोई बताना चाहेगा दिशा साहब आप बताइए। सर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पहले तो ये उसका ये सेवंथ लॉर्ड होके टेंथ में है, सेवंथ लॉर्ड होके टेंथ में है बराबर है, तो स्पाउस से स्पाउस के क्या प्रोफेशन हो सकती है, सेवंथ प्लस ट्वेल्थ लॉर्ड, सेवंथ प्लस ट्वेल्थ लॉर्ड, हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, एक तो ये हो सकता है कि वो सेवंथ है मतलब प्रोफेशन साथ में हो तो फायदा ज्यादा रहेगा, या प्रोफेशन में साथ में हो सकते वहां से मतलब वो आपके साथ आए हो, वाइफ प्रोफेशन में हो सकती है, हाँ और दूसरा है या तो फॉरेन जैसे ट्वेल्थ है तो फॉरेन रिलेटेड हो सकता है, आपका काम फॉरेन से जाना चाह रहा हूँ वो शुभ होगा, वो सेवंथ और ट्वेल्थ लॉर्ड का स्वामी होकर टेंथ में बैठा, टेंथ दसवें भाव में बैठा है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आप समझिए, आप मैं वही बता रहा हूँ,
आपका सेवंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में है, बराबर है जी, लेकिन मारा क्या कुंडली का नहीं, लेकिन ये सर ने वही तो बोला कि उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, जब वो पीरियड आएगा तब वो नुकसान करेगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वाला ये चार्ट देखिए गोस्वामी जी, ये चार्ट देखिए आपको, तो मैंने पढ़ाया था पीछे, आपने शायद स्किप हो गया होगा, कि प्रतिकूल ग्रह आप ये देखिए कि ये शुक्र की दशा आई, ठीक है सर। अब शुक्र की दशा आई तो शुक्र इस कुंडली के लिए प्रतिकूल ग्रह है, क्योंकि शुक्र मंगल का मित्र नहीं है। यस सर, ठीक है, मंगल लग्न है, तो अब शुक्र की आपको स्थिति देखनी है। अगर शुक्र की स्थिति प्रतिकूल है, यानी शुक्र भी छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा हुआ है, तब तो बंटाधार है जी। और शुक्र अगर आपका केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ, आपका दसवें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो स्थिति अनुकूल हो गई। यस सर, तो प्रतिकूल ग्रह था बट स्थिति अनुकूल हो गई। यस सर, तो क्या होगा अगर इसके ऊपर किसी ग्रहों की दृष्टि भी है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि है इसके ऊपर? अरे शुभ ग्रह की दृष्टि में इसके साथ में सर गुरु और चंद्र बैठे हैं, दृष्टि तो और क्या चाहिए आपको, तो प्रभाव अच्छे हो जाएंगे ना जी, प्रभाव अच्छे हो गए इसके अंदर, इसमें लिखा हुआ है साफ-साफ, इफ एक्स जेड, यानी प्रतिकूल ग्रह हो और अनुकूल स्थिति हो और प्रभाव भी अच्छे हो जाए तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। हाँ लेकिन सर राहु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव से, राहु छठे में राहु बैठे हैं, दृष्टि पड़ रही है पांचवी राहु की, एक आध ग्रह से कुछ नहीं होता, साथ में गुरु भी, गुरु की भी तो साथ में है ना, युति है ना, गुरु चंद्र साथ में है, जो इस कुंडली के कारक ग्रह हैं वो साथ बैठे हैं, तो भाई वो दो मिलके, या मतलब एक बात समझ लीजिए गोस्वामी जी, जब गुरु आ जाता है ना तो वैसे ही बेड़ा पार हो जाता है, वैसे भी हाँ काफी प्रॉब्लम आपकी हल हो जाती है जी जी, सबसे पावरफुल है वो, क्योंकि आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा कारकत्व उसके पास है, और उस गुरु जी, इसलिए मैंने अभी नहीं सर से जब बात की तब वही बोला ना, जिसका गुरु वीक है या प्रॉब्लम है उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, जिसका गुरु पावरफुल है ना जी, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी ऐसा नहीं, लेकिन आप उससे बाहर निकल जाओगे ये समझ लेना, दिक्कत तो सबको आनी है, जब राम को राम को दिक्कत आई है तो फिर हमें और आप तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बाहर आप निकल जाओगे, वही चीज है जी जी जी। आप तो वैसे देखने जाओ तो राम और सीता के सबसे ज्यादा गुण मिलते थे, और जब वो यंग थे तभी से अलग हो गए, मैं समझ गया थे। तो मैं सर ये है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो है पुखराज मूंगा और मोती पहन सकते हैं, पहन सकते हैं जी सर। और सर राहु केतु का मैं बस यही थोड़ा सा आपने बता रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में जब आप बता रहे हैं, सर एक सेकंड सर, ये कंफ्यूजन रहता है कि जिस राशि में बैठे हैं उसके फल दे रहे हैं या जो ग्रहण के साथ बैठा उसके फल दे रहे हैं, ये टॉपिक चल रहा है सर। राहु केतु के बारे में बहुत अच्छे श्लोक दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जिससे रिजल्ट आपको एकदम मालूम चल जाएगा। आप नेक्स्ट सैटरडे संडे इंतजार करो, उस क्लास के अंदर मैं आपको राहु केतु भी पढ़ाऊंगा, तारा चक्र वो जरा डिटेल में पढ़ाना, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन ही सबसे ज्यादा आपको धोखा दे जाता है। आप बेफिक्र रहो, हम लोग राहु केतु का और इसमें भी छलावा ही करता है, हम लोग राहु केतु का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए सर। एक वीडियो मैंने सुनी थी यूट्यूब पे, यस सर, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे एक वीडियो सुनी थी, उसमें सर गोचर को जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था सर, तो उसमें कि यही बता रहे थे कि गोचर को लगन से भी देखें, चंद्र राशि से भी देखें, अगर दोनों से अच्छा रहा है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और यदि एक से अच्छा रहा है एक से बेकार आ रहा है तो सामान्य रिजल्ट देगा, और यदि दोनों से बेकार आ रहा है तो बुरे रिजल्ट देगा, तो सर इसमें कहाँ तक सही माना जाएगा? आप वो चक्कर ये है ना, आप लोगों ने पीछे मुझे लगता है एक सेकंड जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर पढ़ाया था शायद, वो थोड़ा उसके पीडीएफ भी आपके पास आई नहीं है, उस पर लगन से गोचर का भी है और चंद, एक सेकंड आपने आपने तीनों से देखने को बताया, हम किससे देखें सर? तीनों से तीनों, तो जो है बड़ा मुश्किल हो पाता है कि किसको सही माने किसको नहीं, तीनों का रिजल्ट कैसे निकाले, आप क्लब करके लगन ले या चंद्र राशि ले सर? यार मैं आपको कैसे अभी गोचर का सर, आप एक्चुअली क्या है कि सर इस महीने जो ना
सर इसी महीने सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं गोचर में सर, इसी महीने तो सर उनको प्रेडिक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सर जो है इसी महीने सभी ग्रह राशि। वो सभी चिंता मत करो, मैं आपको गोचर भी और मैं आपको वैसे तो खैर जो वो 65 रूल बताऊंगा आपको उसमें सब चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन पीछे भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप कहोगे तो हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे एक बार। सर आप गोचर का प्रॉपर करवा दीजिए। करवा देता हूँ, चलो गोचर का आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉपर करवा देता हूँ, आपको गोचर ले लेते हैं। हाँ वो उसपे ज्यादा मतलब क्या है कंफ्यूजन उसी पे रहता है। नहीं चिंता मत कीजिए, गोचर ले लेते हैं क्योंकि अभी का जो हमारे लाइफ पे जो इफेक्ट है वो तो उसी का ज्यादा रहेगा ना, अभी का क्या इफेक्ट है। ठीक है ठीक है, तो गोचर भी ले लेते हैं और राहु केतु ले लेते हैं, ये दो चीज लेके आपको नेक्स्ट टाइम कराते हैं। ठीक है सर, अब जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं गृह सर अप्रैल में सभी, इनको सर लगन से देखा गोचर से देखा उससे देखा सर चंद्र राशि सर? देखिए लगन से देखने का सिस्टम ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि अगर वो केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में जा रहे हैं तो वो गोचर आपकी कुंडली में लगन से तो वो गोचर ठीक, वो ठीक माना जाता है गोचर जी सर। अगर चंद्रमा से गोचर मान लिया उनका ठीक नहीं है, जैसे मंगल गोचर चंद्रमा से 3, 6 और 11 भाव में अच्छा होता है। यस सर। अब चंद्रमा से गोचर तो मंगल का मान लिया 7वें भाव में तो चंद्रमा से गोचर अच्छा नहीं है जी सर, लेकिन मंगल आपका अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है लगन से अगर आप देखते हैं तो मंगल अपनी राशि में गोचर कर रहा है या मंगल त्रिकोण में गोचर कर रहा है या मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है तो दोनों प्रभाव होंगे मिश्रित, यानी आपको फल मिलेंगे लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलेगी। सर सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे अपन चंद्र से गोचर देखते हैं तो हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा वो हाँ, है। हाँ, और जब हम लग्न से देखते हैं तो एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा हम वो उसको हाँ तो चंद्र से देखेंगे तो हम उस काम के लिए कैसा सर मैन प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने सर अभी देखा था कि जो अप्रैल में सभी ग्रह जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसमें सर मेरे लगन से तो सारे केंद्र त्रिकोण मार रहे हैं और सर चंद्र राशि से जो है कोई 6-8 बार जा रहा है तो आपका अप्रोच में हेजिटेशन आएगा। आप समझिए ये आपका अप्रोच प्रॉपर नहीं रहेगा लेकिन अल्टीमेटली आपको फायदा करेगा, रिजल्ट आपके अच्छे रहेंगे। हाँ नहीं सही बात है, चंद्र से गोचर जो है ना वो मानसिक रूप से, वो आप जैसे कई बार क्या होता है कि आपको लगन से गोचर देख रहे हो चंद्र से गोचर देख रहे हो, किसी आपने कहा भाई तेरा प्रमोशन हो जाएगा इस बार, तेरा चंद्र से गोचर लगन से गोचर तेरा बहुत बढ़िया है और तेरा गोचर ठीक है, आपने बोल दिया प्रमोशन हो जाएगा। अब उसका प्रमोशन तो हो गया लेकिन चंद्र से गोचर ठीक नहीं था तो मालूम चला प्रमोशन तो हुआ लेकिन उसे लेह लद्दाख भेज दिया, तो ये फर्क पड़ता है कि अगर चंद्र और लगन दोनों से गोचर अच्छा हो तो आदमी को फल तो मिलता है साथ में मानसिक शांति भी रहती है, लेकिन अगर लगन से गोचर अच्छा है तो फल तो मिलेगा उसको, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चंद्र से गोचर अगर अच्छा नहीं है तो वो आदमी की अप्रोच थोड़ी ऐसी जाती है या आदमी थोड़ा मानसिक रूप से बहुत खुश नहीं रह पाता, मतलब ठीक नहीं रह पाता बहुत ज्यादा मानसिक रूप से, मतलब उसको थोड़ा कहीं ना कहीं अशांति रहती है कि यार और ऐसा हो जाता या और ऐसा हो जाता तो अच्छा हो जाता, वो तो करेगा नहीं मानसिक अशांति। हाँ वो लगन से गोचर चंद्रमा से जो गोचर है वो मानसिक है, चंद्रमा मन है तो वो मन से आपको अप्रोच देता है। यस सर, यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा एक डाउट था। हाँ डाउट ये था कि सर मान लीजिए कुंडली में भाव अच्छा है, मतलब कि भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, भावेश जो है वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है या फिर भावेश जो है कमजोर है और कारक जो है अच्छा है और चर कारक जो है वो खराब है, तो फिर कैसे बोलेंगे उस भाव से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको क्या बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे खराब बोलेंगे? हाँ मैंने आपको जैसे बताया अभी कि अभी जैसे भाव भावेश कारक इन तीनों को आप 33 33 33 का रिजल्ट दे लीजिए कि भाई 33% रिजल्ट इसके 33 इसके 33 इसके, अब 100% रिजल्ट हो गया, अब तीनों चीज बढ़िया तो 100%, तीन में से दो बढ़िया तो ये कहेंगे 60% रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है यार आपका मतलब फायदा तो आपको होगा लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, आपको रिजल्ट ठीक ठाक ही मिलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है आपके साथ, लेकिन अगर तीनों चीज खराब हो गई तो उसका बेड़ा गर्क होगा बेचारेगा। तो ये चीज ध्यान आपको थोड़ा तारतम्य से निकालना होगा कि तीनों का वेटेज आप 30-30% दे सकते हो कि भाई कारक की 30% वेटेज, भाव का 30% वेटेज और भावेश का 30% वेटेज, उसके बेस पे आप बोल सकते हो कि ठीक है कि भाई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी तुमको या ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा जरूर कारक तुम्हारा अच्छा नहीं है मान लिया, पर तुम्हारा भाव और भावेश अच्छा है और कारक तुम्हारा अच्छा नहीं है
तो कहोगे कि ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य में प्रथम भाव का ले लेंगे, प्रथम भाव का भाव भी अच्छा है, भावेश भी अच्छा है, कारक सूर्य है उसका। अब कारक सूर्य मान लिया उसका छठे भाव में चला गया तो हम कहेंगे कारक कमजोर हो गया, एज भावेश कमजोर हो गया। सूर्य एज ए ग्रह कमजोर नहीं हुआ, सूर्य ऐसे ग्रह को अच्छे रिजल्ट देगा, एनर्जी देगा, नाम देगा, सब कुछ देगा, लेकिन वो ऐसे भावेश यानी थोड़ी बहुत बीमारी में प्रॉब्लम दे सकता है। तो उससे ये फायदा होगा आपको कि आप ये कहेंगे कि ठीक है भाई थोड़ा बहुत दिमाग हो सकते हैं लेकिन आपको अच्छा फायदा, ऐसा मतलब नुकसान इसके अंदर आपको ऐसा नहीं रहेगा। तो ये आप सर एक क्वेश्चन और थी जो आपसे पूछनी थी जी, पूछिए। सर ये था कि कल मैं एक लड़के का कुंडली देख रहा था और उस लड़के की जो कुंडली थी कन्या लग्न की कुंडली थी, तो उसके जो छठे, उसका सवाल ये था कि मेरा सरकारी नौकरी होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं होगा। तो मैं उसका कुंडली देखा, सिक्स हाउस उसका देखा, तो कन्या लग्न की कुंडली है तो फिर सिक्स हाउस में जो सिक्स लॉर्ड होंगे वो शनिदेव होंगे, तो उस जो सिक्स हाउस में जो राशि थी वो मूल त्रिकोण राशि थी शनिदेव की, 11 नंबर राशि, ठीक है ना। तो शनिदेव जो है एकादश भाव में स्थित है, तो और भी किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और शुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, तो भाव तो अच्छा मानेंगे, भाव अच्छा हो गया, और भावेश जो शनिदेव है वो एकादश भाव में चले गए तो भावेश भी अच्छा हो गया, भावेश में किसी अशुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है। और कारक जो इस भाव के बनते हैं शनिदेव और मंगलदेव, तो मंगलदेव जो है वो नवे भाव में है, तो कारक भी अच्छे हो गए और शनिदेव जो है वो तो पहले से ही ऑलरेडी एकादश भाव में है, तो भाव भावेश कारक अच्छा हो गया। लेकिन चर कारक जो सरकारी नौकरी के बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं, तो सूर्यदेव सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं, है ना सर। तो हमको समझ में नहीं आया कि अगर ये चर कारक यहाँ पे जो है कमजोर हो रहे हैं, सूर्यदेव राहु देव के साथ युति में है, तो फिर कैसे बोला जाए कि उसको उसका जो है सरकारी नौकरी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तीनों चीजें जो है बोल रही है कि हाँ हो सकता है, बट यहाँ पे सूर्यदेव की जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा मतलब अनुभव हो रहा है कि नहीं हो पाएगा। देखिए सूर्य आपका, मैं आपको पहले बताया थोड़ा सा, आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी जो आपने करी है, बात भी बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी किसी ग्रह पे प्रभाव जब मानिए, जब दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव, अगर सूर्य एज ए कारक आप कमजोर मान रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो राहु केतु एक्सिस में है, हाँ अगर शनि की दृष्टि भी हो जाए, मंगल की दृष्टि हो जाए, तो आप कह सकते हैं कारक बहुत कमजोर हो गया। भाव से ज्यादा मजबूत भावेश, भावेश से ज्यादा मजबूत कारक, ये ऑर्डर है, ये ध्यान रखिए, भाव से ज्यादा मजबूत भावेश और भावेश से ज्यादा मजबूत कारक, तो कारक का भी मजबूत होना जरूरी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सूर्य राहु केतु एक्सिस में है, इतना फर्क पड़ रहा है खाली उसका, तो कमजोर तो हुआ है सूर्य, यानी नौकरी तो मिल सकती है लेकिन थोड़ा धक्के खाने के बाद मिलेगी। सर लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सूर्य ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सूर्य और गुरु, ऐसा नहीं कि सूर्य अच्छा मतलब प्रॉब्लम में है तो गवर्नमेंट जॉब, मेरे हिसाब से मतलब मुझे जो लग रहा है कि ये जो भी है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलना डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। नहीं ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि क्या है कि सूर्य जो है वो राजा माना जाता है, तो पहले राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, तो कहते थे भी राज्य की सेवा करना, राज्य में कोई लग जाए तो वो सरकारी नौकरी मानी जाती है। तो सूर्य और गुरु, क्योंकि गुरु क्या है वो धन का कारक है, गुरु क्या है वो आपके यश का कारक है, नाम कारक है, तो उस केस में ये होता था कि भाई राज्य की
सेवा में कोई बंदा लगा हुआ है, राज्य के यहाँ मंत्री है, कुछ है, तो उसको कहते थे कि भाई सरकारी नौकरी है, बहुत बढ़िया। आज की डेट में गवर्नमेंट सर्विस को लेके ये रखना, मैं कहता हूँ प्रेडिक्शन करते वक्त ये नहीं बोलना चाहिए। मेरा अपना व्यू ये है, मैं किसी को मुझसे कोई पूछता है कि गवर्नमेंट सर्विस लगेगी नहीं, तो मैं उससे यही कहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट सर्विस की मैं तुमसे अश्योरेंस नहीं देता, लेकिन हाँ ये तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी लगेगी, ऐसी कंपनी में लगेगी। ऐसे केस में भी ये जो इन्होंने जो बताया ये जो बिल्कुल, तो उसको जॉब अच्छी मिलेगी, उसका कोई कोई वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलना मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो तो जैसे जो उनका चार कारक कमजोर है उनका, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, लेकिन भाव अच्छा है, भविष्य अच्छा है, कारक अच्छा है, ग्रैंड भी तो लग गया है, उसीलिए तो उसी की वजह से तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा ना। भाव भावेश और कारक तीनों छह ना, कमजोर हो गया सर, सूर्य को ग्रहण लग गया। अरे गोस्वामी साहब आप बहुत बड़े ज्योतिष बनने वाले हो, अब ये ग्रहण व्रहण की बातें मत करो, ये ग्रहण ऐसे नहीं लगते, जब ग्रहण होंगे तभी ग्रहण लगेंगे, ऐसे नहीं सूर्य से राहु आ गया तो ग्रहण बन गया, या गुरु राहु आ गया तो चंडाल दोष बन गया, ऐसा नहीं बनता। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं आपको, कि सूर्य राहु पंचम भाव में बैठा है आपके, और सूर्य केंद्र का स्वामी है, और सूर्य राहु साथ बैठ गए तो ये राजयोग बन गया आपके लिए, जब मैं राहु के तो पढ़ाऊंगा आपको, ये राजयोग हो जाता है, सूर्य राहु बैठे कई बार राजयोग बना देते हैं, ऐसे बहुत हाँ ऐसे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि राहु केतु के साथ ये है कि राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और त्रिकोण या केंद्र के स्वामी के साथ हों तो राजयोग बन जाए, तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि राहु के साथ सूर्य बैठा है तो सूर्य कहीं ऐसा तो नहीं केंद्र का स्वामी हो और राहु त्रिकोण में बैठा हो, वो भी सब चीज आपको देखनी है, तब जाके आप कहोगे कि हाँ सूर्य कमजोर है या नहीं है क्या है, चीजें वो भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, आकांक्षा आ जाई थी क्या? जी सर, एक्चुअली मुझे लगता है टाइमिंग का कुछ फेर हो गया, मैंने हाफ एन आवर लेट ज्वाइन किया। ओ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आप देख लीजिएगा। जी सर, एक्चुअली हम लोग का प्लेस चेंज हो गया है, इस चक्कर में काफी कुछ चीजें चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हम लोग दुबई आ गए। अच्छा दुबई आ गए, हाँ ये पूरा एक महीने में फरवरी मार्च के बीच में ही सारी चीजें होंगी, तो फटाफट हुई है, तो काफी बिजी रहा सर। इनफैक्ट मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरे दिमाग से आधे से ज्यादा बातें तो चली गई है, मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। आप रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी मैं कुछ चीजें जैसे अभी इन्होंने बताया, दशा मैंने आपको रिपीट कराया, गोचर भी मैं आपको रिपीट कराऊंगा, जितना पढ़ाया है प्लस जितना मुझे पढ़ाना है आगे, वो गोचर भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। मुझे मालूम है कि दशा और गोचर इन दो के फल प्रेडिक्ट करना अगर आपको आ गए तो समझो कि आप सारी ज्योतिष सीख गए, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। सर गोचर तो वैसे भी अपना बाकी है ना, गोचर वैसे ही बाकी है, ऊपर ऊपर गोचर बाकी है, हाँ मेन मेन, हाँ मेन बाकी है, मेन में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन लेकिन सर वो नाम राशि से गोचर का कैसे पता करते हैं ये भी बतलाना सर, जैसे चंद्र राशि से पता है, लग्न से पता है, नाम राशि से गोचर सब बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना, वो सब बताएंगे आप। चलिए आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सर ये पीडीएफ भेज देना सर, इसका ये पीछे वाला पोर्शन नहीं है। हाँ भेज देंगे नमस्कार नमस्कार।